गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग तो चलिए जी जैसा कि मैंने कहा था कि आज सिक्योरिटी वैल्यूएशन तो आज आपके सामने हूं मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन या सिक्योरिटी एनालिसिस या बॉन्ड वैल्यूएशन या इक्विटी एनालिसिस आप कुछ भी बोल सकते हो उसका लेक्चर याद रखना कि ये जो है ये ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है बॉन्ड जो बॉन्ड के नाम से अक्सर लोग जानते हैं ये बॉन्ड यही है ठीक है सर अच्छा सिक्योरिटी वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस अलग अलग चैप्टर है पर मैं यहीं सब कुछ कवर करवा रहा हूं मतलब इसी में सिक्योरिटी एनालिसिस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है जी स्टार्ट करें यस चलो जी जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे खत्म क्या पढ़ा था हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली था क्या सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना होता क्या था हम एक से ज़्यादा सिक्योरिटी परचेस करते थे पर उसमें जो खेल था वो था कोरिलेशन का इट मीन्स हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेलेक्ट करते थे बॉन्ड इक्विटी ये सब कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाना बॉन्ड में पैसा लगाना है बैंक में पैसा रखना रिस्क फ्री में इस तरह से हम पोर्टफोलियो बनाते थे और उसमें यह भी डिसाइड करते थे कितना प्रोपोर्शन हमें स्टॉक ए में लगाना कितना प्रोपोर्शन हमें स्टॉक और इस तरह से हम पोर्टफोलियो बनाते थे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या सिक्योरिटी वैल्यूएशन में का पोर्टफोलियो आगे पोर्टफोलियो तो बेटे बात की बात सबसे पहले आप ये तो डिसाइड कीजिए कि आप स्टॉक ए खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे इट मींस यहां जो है वहां इंडिविजुअल सिक्योरिटी के विषय में मुझे एनालिसिस करना है उसका वैल्यूएशन निकालना उसकी वैल्यू निकालना और डिसाइड करना है कि मुझे सिक्योरिटी परचेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे बॉन्ड में पैसा लगाना है तो बॉन्ड्स जिसमें मैं पैसा लगाने वाला हूँ भाई इट मीनस आप पोर्टफोलियो बनाने से पहले उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का डिटेल में वैल्यूएशन निकालोगे एनालिसिस करोगे उसका वैल्यू निकालोगे और उसका कंपैरिजन मार्केट प्राइस से करोगे दिस इज सिक्योरिटी अवेलेसन इसमें बॉन्ड वगैरह कब है एक बार देख लेते हैं कि मैंने रिवीजन में क्या करवाया था रिविजन में जब मैंने ले गया आपको सॉरी पहला लेक्चर ले रहे थे। तो मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस के विषय में बताया आपको मार्क ले रहे थे। तो पहले बात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो डील करता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो की भाई कितना पार्ट पोर्टफोलियो में कितना प्रोपोर्शन किस सिक्योरिटी का होना चाहिए जबकि सिक्योरिटी एनालिसिस जो डील करता है वो इंडिविजुअल स्टॉक या बॉन्ड के विषय में डील करता है और हम क्या करते हैं हम वैल्यू निकालते हैं हर एक सिक्योरिटी का और डिसाइड करना होता है कि क्या हमें सिक्योरिटी परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए सिक्योरिटी एनालिसिस में देखा जाए तो तीन टॉपिक है वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स वैल्यूशन ऑफ इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूशन जो कि हम यहाँ नहीं करेंगे हम बस दो ही चीज करेंगे बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे और इक्विटी का वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड के वैल्यूएशन की बॉन्ड्स का मतलब क्या है सर बॉन्ड्स का मतलब डिवेंचर uh, टाइप का लोन डेट यस तो जब जब भी आप बॉन्ड्स खरीदोगे बॉन्ड्स तो हमारा काम क्या होगा अगर मुझे बॉन्ड्स खरीदना है तो मार्केट में क्या प्राइस है और मार्केट में जो प्राइस है मान लो किसी बॉन्ड का मार्केट में प्राइस है चार सौ मार्केट प्राइस करेंट मार्केट प्राइस है फोर हंड्रेड रुपीज़ और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे वो बॉन्ड्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए तो एक ही तरीका है सर जो आप चीज़ खरीदने वाले हो इससे फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसका क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो चीज जो आप खरीदने वाले उससे आपको कितना फायदा हो सकता है और बॉन्ड से हमें क्या मिलेगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हमें लास्ट में पैसा वापस मिलेगा इट मीन्स मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा फ्यूचर कैश फ्लो की फ्यूचर में और वो प्रेजेंट वैल्यू आया 375 मान लो 375 सवाल ये है कि हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए सोच के देखो अगर मैं इसको खरीदता हूं तो बोलो भाई कितना रुपया मिलेगा तीन सौ पचहत्तर रुपए थ्री सेवन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया थ्री सेवेंटी फाइव मिलेगा लेकिन आज मार्केट यहाँ क्यों चार सौ क्या बेवकूफी वाली बात नहीं लेकिन चार सौ रुपया दूंगा मैं इस चीज का और बदले में मुझे मिलेगा कितना तीन सौ पचहत्तर सवाल ही पैदा नहीं होता क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए महंगा है ये तो मार्केट प्राइस ओवर प्राइज ओवर मार्केट प्राइस ज्यादा है हाँ लेकिन अगर मुझे मिलता फोर सेवेंटी फाइव तो पक्का खरीद लीजिए अंडर प्राइस ये जो निकाल रहे हो ना आप ये है वैल्यू और ये है मार्केट प्राइस ये किस पर डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई और मैं उसकी रियल वर्थ निकालूंगा कि मुझे कितना पैसा मिल सकता इसे इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोल सकते हो इसे फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो या इसे वैल्यू भी बोल सकते हो ठीक है ठीक है सर सर मतलब वैल्यू मुझे ये निकालना है बेटे ये नहीं निकालना सर वैल्यू का मतलब क्या हुआ वैल्यू का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हम जो भी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं फ्यूचर में जो इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में जो रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी उसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और डिस्काउंटिंग जो करना है सर वो रिस्क फ्री रेट से करना है कि बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है बॉन्ड्स में रिस्क होता है कि नहीं सर बॉन्ड्स हो भी सकता है वो मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ यहां मैं नहीं समझाऊंगा तो मुझे जो डिस्काउंटिंग करना है ना मैं देखूंगा क्या मार्केट में ऐसी टाइप का कोई और बॉन्ड है और कंपनी है बोले हां तो उसके बॉन्ड से मुझे अगर 12 परसेंट मिल रहा है या रिटर्न 12 परसेंट तो इसको भी मैं डिस्काउंटिंग कितने परसेंट मतलब सिमिलर बॉन्ड से मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा यही बात यहां लिखवाया हूं बॉन्ड प्राइजिंग या वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो बॉन्ड प्राइजिंग मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम बॉन्ड इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड एट येल्ड ऑफ ये इंपॉर्टेंट है येल्ड ऑफ सिमिलर बॉन्ड सेम बॉन्ड का जो येल्ड होगा ना दूसरी कंपनी का बॉन्ड सेम है तो उसका जो येल्ड होगा उससे में डिस्काउंट उसका जो रिटर्न होगा उससे मैं डिस्काउंटिंग करूँगा डिसीजन कैसे लोगे अगर वैल्यू ज़्यादा निकल गई वैल्यू ज्यादा मार्केट प्राइस से तो हम कहेंगे वाह यार खरीदना चाहिए दिस इज अंडर प्राइज अगर वैल्यू कम है मार्केट प्राइस ज्यादा तो हम कहेंगे ओवर प्राइज मत खरीदो अगर सर दोनों बराबर हैं तो यहाँ वैसे तो अगर मैं कहूँ जितना मैं चाहता हूँ रिको उतना रिकवर हो रहा बात खत्म करेक्टली प्राइस है शुड बी परचेज या फिर यहाँ डू नथिंग भी लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा हुआ है डू नथिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है ये मेरे पर मेरी पर्सनल ओपिनियन खरीद लेनी चाहिए ठीक है ओके सर बाकी तो हम क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल हमें क्या निकालना है हमें निकालना वैल्यू पूरा काम सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन ठीक है अब बॉन्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं बॉन्ड्स एक तो होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड दूसरा होगा आपका प्लेन वनीला बॉन्ड्स जिसमें कन्वेंशनल आएगा प्लेन वनीला बॉन्ड्स एक होगा परपेचुअल बॉन्ड्स और एक होगा नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स ये चारों चीज मैंने आपको सबसे पहले बात करते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता था याद करो सर जीरो कूपन बॉन्ड्स में हमको बीच में कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता था लास्ट में रिडीम्ड हो जाता था बॉन्ड्स इट मीन्स आज अगर मैं बॉन्ड खरीदूँ आज अगर मैं बॉन्ड खरीदूँ और जिसका फेस वैल्यू है एक पाँच साल के लिए तो पाँच साल बाद मुझे सर एक हजार रुपया मिल जाएगा तो आज अगर मुझे पैसे लगाना है उस बॉन्ड में तो मैं एक हजार थोड़ी नहीं लगाऊंगा यार एक हजार देकर एक हजार मिलेगा बीच में इंटरेस्ट भी नहीं मिला एक हजार से कम डिस्काउंट पर इश्यू होते डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन नाम से ही लग रहा है तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने ज्यादा कहानी नहीं लिखवाया हम और वो मैंने उठाई भी नहीं इसमें जो थ्योरी है वो उठाया नहीं सीधा सीधा एग्जाम्पल फेस वैल्यू कितना है एक हजार करंट मार्केट प्राइस है पाँच पचहत्तर ठीक है जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट मुझे टेन परसेंट चाहिए लाइफ है टेन इयर्स तो सर जी ऐसा है मुझे एक हज़ार रुपये मिलेंगे कब दस साल बाद फेस वैल्यू पर रिडीम होता है बीच में कोई कूपन भी नहीं मिलेगा क्या हमें बॉन्ड परचेज करना चाहिए सबसे पहले क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकाला एक हज़ार का प्रेजेंट वैल्यू ये तो आता है आपको तो कितना आ गया थ्री एटी फाइव जबकि मार्केट प्राइस है पाँच सौ पचहत्तर अंडर प्राइस की ओवर प्राइस सर ओवर प्राइज आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है जी हाँ मुझे मालूम है मुझसे गलतियाँ बहुत हुई है क्लास में नई रिकॉर्डेड क्लास में गलतियाँ नहीं होगी टेंशन मत सिंस बॉन्ड इज़ ओवर प्राइज महंगा है महंगा है तो कहाँ यहाँ से ही लिखा इट्स शुड नॉट बी परचेस्ड ठीक है तो यहाँ तक क्या बात समझे सर यहाँ तक ये यह बात समझ में ही है ज़ीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो रिडीम्ड होगा वो फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होगा बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे बात खत्म यस yes. आगे चले प्लेन वनीला बॉन्ड्स या कन्वेंशनल बॉन्ड्स ये क्या होता है सर सीधा सीधा का मतलब भाई जनरली बॉन्ड्स में क्या होता है आपने बॉन्ड इश्यू किया या आपने डिबेंचर खरीदा तो डिबेंचर खरीदता हूँ या मैं बॉन्ड्स खरीदता हूँ तो भाई मुझे हर साल ब्याज मिलेगा और लास्ट में मेरा पैसा वापस मिल जाएगा बस बात खत्म दिस इज कन्वेंशनल प्लेन वनीला बोलते बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट हर साल इंटरेस्ट और लास्ट में फेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं जितना भी लास्ट में पैसा वापस मिलेगा कम भी मिल सकता है ज़्यादा ज़्यादा ही मिलता है जनरली फेस वैल्यू कितना एक हज़ार कूपन रेट बारह परसेंट इसका मतलब एक हज़ार पे बारह परसेंट कितना होगा एक सौ बीस रुपये मुझे इंटरेस्ट का मिलेगा कितने साल तक मिलेगा दस साल तक दस साल बाद मुझे पैसा वापस होगा पर कितना दस परशन, प्रीमियम दस एक्स्ट्रा पंद्रह परसेंट से डिस्काउंटिंग करनी है करंट मार्केट प्राइस जो दिख रही है वो दिख रही है नौ सौ पचास तो पहले वैल्यू निकाल ले इंटरसिक वैल्यू बॉन्ड एक सौ बीस रुपए मिलेगा मुझे कितने साल तक दस साल तक डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करूंगा पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट का पी वी एफ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर और लास्ट में सुनो एक हजार नहीं दस परसेंट ज्यादा मतलब मुझे कितना रुपए मिलेगा मुझे मिलेगा इलेवन हंड्रेड और यहां कौन सी ईयर का फैक्टर आएगा टेंथ ईयर का फैक्टर आएगा बच्चों एक बात बोलू साफ साफ प्रेजेंट वैल्यू समझ में आता है ना नहीं तो बड़ी दिक्कत है फिर फिर ये चैप्टर नहीं हो सकता अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू कि साहब अगर आज मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो मुझे आठ सौ मिलेगा ठीक है ना मार्केट में देख लो कितना 950 रुपए का बिक रहा है यार ये तो महंगा है ओवर प्राइज क्या खरीदना चाहिए मत खरीदो परचेस्ड ठीक है ओके okay सर भाई अगला एग्जांपल ये भी उसी पर कन्वेंशनल बॉन्ड्स पर इसमें खास बात क्या है इस एग्जांपल में जो 15 परसेंट ब्याज मिलेगा वो कैसे मिल रहा है हाफ इंड हाफ ईयरली का मतलब सर हर छ छः माह में पंद्रह परसेंट बेवकूफी वाली बात है सौ रुपए का पंद्रह परसेंट कितना होता पंद्रह रुपया तो हर छः छे माह में कितना साढ़े सात रुपए सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव तो सर इसका मतलब इंटरेस्ट पांच साल में दस बार मिलेगा यस yes. और डिस्काउंटिंग रेट है बारह परसेंट तो भाई इसको भी आधा करना पड़ेगा इसको कितना परसेंट करना पड़ेगा हाफ है ना तो इसको छः परसेंट करना पड़ेगा ठीक है जी तो साढ़े सात रुपये मिलेगा पाँच साल तो है लेकिन पीरियड कितना है दस डिस्काउंटिंग रेट बारह की जगह कितना कर दिया मैंने और यहां भी दसवें पीरियड का सिक्स परसेंट के हिसाब से मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा कुछ नहीं लिखा है तो रिडीमेबल एट पार मान के चलना तो आंसर कितना आ गया एक सौ ग्यारह रुपए चार पैसे और मार्केट प्राइस दिया नहीं है सर तो आप डिसाइड नहीं कर सकते बस वैल्यू बॉन्ड पूछा वैल्यू बॉन्ड आपने निकाल लिया बात खत्म हो गई तो चलो एक तो पढ़ा था प्लेन वेनिला सॉरी नहीं पहला क्या पढ़ा था जीरो कूपन बॉन्ड बात समझ में आ गई कूपन कुछ नहीं लास्ट में दूसरा प्लेन वेनिला बॉन्ड या फिर कन्वेंशनल बॉन्ड तीसरी की बात करो तीसरा ये परपेचुअल बॉन्ड लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ भाई आप भी लिख लेना जिन्होंने प्रिंट निकाला होगा परपेचुअल बॉन्ड सर ऐसे बॉन्ड्स आजकल इश्यू होते हैं क्या वैसे तो नहीं होते चलो सर होता क्या है होता क्या है? कुछ नहीं कंपनी बोलती है साहब आप बॉन्ड्स खरीदिए बिल्कुल आपको ब्याज मिलेगा बिल्कुल कब तक मिलते ही जाएगा मिलते ही जाएगा मिलते ही जाएगा हमेशा आपको पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे सपोज मैं बैंक में पैसा जमा कर देता हूं तो मुझे इंटरेस्ट जब तक पैसा रहेगा इंटरेस्ट मिलते जाएगा और मैं ये मान रहा हूं बैंक से मैं कभी पैसे नहीं निकालूंगा यही एजेंशन है इसमें तो चलो ठीक है फिर तो कुछ बचा नहीं फेस वैल्यू कितना एक कूपन पेमेंट कितना है पंद्रह मतलब एक हज़ार का पंद्रह परसेंट एक सौ पचास रुपये मिलेगा और यहां लिखा परपेचुअल पेचुअल हमें से एक सौ पचास रुपया मिलेगा डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करनी है 12 तो ये हमको अच्छे से पता ही है मैं आपको समझा चुका कि जब भी परपेचुअल आएगा डिवाइडेड परपेचुअल्व परसेंट से करोगे क्यों करोगे ये मैंने आपको समझाया है तो आंसर वैल्यू बॉन्ड कितना बारह सौ पचास ओके सर तो अभी तक देखा जाए तो तीन टाइप्स के बॉन्ड्स आप डिस्कस कर चुके हो जीरो कूपन कन्वेंशनल एंड परपेचुअल और इसके बाद अब कौन सा नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड फोर्थ सर ये नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स क्या होता है बेटे इसमें क्या होता है इसमें ना कंपनी की कंपनी अपने हिसाब से सेट कर देती अजीब अजीब सी बातें होती है कंपनी ऐसा कह सकती कि शुरू के तीन साल तक हम दस परसेंट ब्याज देंगे उसके आने वाले दो साल हम बारह परसेंट ब्याज देंगे उसके आने वाले पाँच साल हम अठारह परसेंट ब्याज देंगे मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है इस तरह से दिस इज नॉन कन् कन्वेंशनल बॉन्ड में क्या होता है एक बार कूपन फिक्स हो गए आठ परसेंट मतलब हमेशा दस साल तक आठ परसेंट लेकिन नॉन कन्वेंशनल ऐसा नहीं नॉन कन्वेंशनल में कभी इंटरेस्ट ज़्यादा कभी इंटरेस्ट कम इस तरह से कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है पॉलिसी छोड़ो हमारे क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट का रिट अलग अलग है कुछ साल तक अलग है उसके कुछ साल तक अलग है तो ऐसे बॉन्ड्स को मैं नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स बोलूंगा ठीक है जी एक क्वेश्चन भी उठाया और शायद मैंने प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन उठाया है हमारी बुक में सुनो कुछ बच्चों का ये कहना सर बुक क्योंकि देखो जो भी YouTube में मेरे सब्सक्राइबर है सब मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ लेकिन जिन्होंने मेरी क्लास खरीदा है तो वो कहीं ना कहीं तो भाई मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और उन्होंने कहा हेल्प के लिए सर इतना कर दूँ कि जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर है वही क्वेश्चन नंबर यहाँ अपने में लिखोगे जी ठीक है इतना तो यार जिन्होंने मेरी क्लास नहीं परचेस किया वो भी मैनेज कर सकते ठीक है, है सर चल जाएगा आप बस बोलते रहिए ओके सर तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं मैरसेस अफगा इज प्लानिंग टू इश्यू डिवेंचर डिबेंचर इशू कर रहे हैं ठीक है डिबेंचर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है फेस वैल्यू कितना है सौ अब देखो दस साल है तो दस साल तक साहब ब्याज कैसे दे रहे इंटरेस्ट कूपन पेमेंट बोले एक से चार साल तक नौ परसेंट पाँच से आठ साल तक दस परसेंट और नौ और टेन टेन फोर्टीन परसेंट ठीक है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं मतलब सौ रुपये का नौ परसेंट हो गया नौ रुपये और यहाँ दस रुपये और सर यहाँ ग्यारह रुपये ठीक है द करंट मार्केट रेट ऑन ए सिमिलर डिवेंचर इज फिफ्टीन परसेंट पर है ना। बात समझने की कोशिश करना रहे ध्यान से हमारी कंपनी तो है ही है साइड में और एक कंपनी हमारे जैसी और वो जो डिबेंचर इश्यू हैं उनके लिए पंद्रह रिटर्न मिल रहा है शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स को पंद्रह तो हमारे डिबेंचर होल्डर को भी तो यार पंद्रह रिटर्न मिलना ही चाहिए अगर हम उससे कम देंगे तो वो मानेंगे ही नहीं अच्छा सर इसका मतलब कम से कम हम पंद्रह परसेंट से रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे उससे कम से उस मेरी बात समझ उससे कम रेट से डिस्काउंटिंग करता हूँ बॉन्ड की वैल्यू निकालता हूँ तो शेयर होल्ड डिपेंसर होल्डर बॉन्ड खरीदेगी ही नहीं सर ओके सर द कंपनी प्रपोज टू प्राइज इश्यू इन सच मैनर दैट बताओ कंपनी कितनी अच्छी है बोले साइड वाला पंद्रह परसेंट दे रहा ना हम सोलह परसेंट देंगे हम सोलह परसेंट से डिस्काउंटिंग करो और वैल्यू निकालो एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए जितने ज़्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करोगे उतना वैल्यू कम आएगा इट मीन्स सामने वाली कंपनी जितने में बॉन्ड्स इश्यू कर रही है उससे कम रुपए में हम बॉन्ड्स इश्यू करेंगे हम यही कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली ठीक है जी सिक्सटीन परसेंट से हम डिस्काउंटिंग कर लेंगे और इसके अलावा जो डिबेंचर जो बॉन्ड्स को रिडीम करोगे वो पांच परसेंट ज्यादा हम पेमेंट करेंगे मेच्योरिटी में इश्यू डिबेंचर निकालना सर प्राइस अभी तो आप इंटरेंसिक वैल्यू बैठे बेटे देखो ना डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड्स होल्डर के लिए इंटरेंसिक वैल्यू पर कंपनी कितने में इश्यू करे तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा इश्यू प्राइस और यहां कंपनी के एंगल से बात पूछ रहे हैं ठीक है चलो जी चलो तो कोशिश सबसे बड़ी बात अब भाई इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं एक लाइन में खत्म कर दूं या फिर टेबल में और साहब अगर आठ नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो दिल दुखाने वाली बात हो जाएगी कि आप एक लाइन में खत्म कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा ना यार ओके सर तो कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर प्रॉपर लिखोगे प्रेजेंट रेट से, से चार पांच से आठ नौ से दस सोलह तो परसेंट ले वाला आता है ना आपको या फिर एक काम करना एक से चार ले लेना फिर आठ तक करना और चार साल वाला माइनस कर देना है, तो ये वाला फैक्टर जाएगा ये बेसिक चीजें मैं नहीं समझाऊंगा सॉरी ठीक है ना सर हम कर लेंगे ये ये फैक्टर लेना है यहाँ चार साल का फैक्टर यहाँ पाँच से आठ साल का फैक्टर जोड़ लोगे यहाँ नौ से नौ और दस और नौ दस अच्छा फोर्टीन है यार मैं इलेवन ले रहा हूँ फोर्टीन फोर्टीन रुपए और लास्ट में जो रिडेमसन अमाउंट है वो कितना है दसवें साल में एक सौ पाँच रुपये वो अलग मिलेगा ठीक है सौ और पाँच परसेंट प्रीमियम और एंट्रेंसिक वैल्यू निकाला तो कितना आ गया सेवेंटी वन पॉइंट टू एट सिम्पल क्वेश्चन था दिस इज नॉन कन्वेशनल बॉन्ड्स तो सर जी ऐसा कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं चार पहला जीरो कुपन हो गया सर कुपन नहीं आएगा लास्ट दूसरा प्लेन वनीला या कन्वेंशनल बॉन्ड्स नॉर्मल कुपन और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू थर्ड जो था वो था अपना परपेचुअल बॉन्ड्स परपेचुअल मतलब कोई रिडीमेबल वैल्यू नहीं होगा सिर्फ इंटरेस्ट 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 और चौथा नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट इधर उधर होगा कम ज़्यादा ठीक है आगे चलते हैं ऐसे ही बॉन्ड्स के अलावा और एक चीज हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बॉन्ड्स ये क्या है बेटे यहाँ प्रॉब्लम क्या है अगर आपका सुना से अगर ऐसा है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बॉन्ड्स खरीदे कि नहीं खरीदे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जी वैल्यू निकाल लेते और इंट्रेंसिक वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो किससे कर लेते हैं मार्केट प्राइस से तो बात खत्म हो जाएगी अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस ओवर प्राइस है तो नहीं खरीदेंगे अंडर प्राइस है तो खरीद लेंगे यहाँ तक ठीक है लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हो जागे और फेस वैल्यू भी सबकी अलग अलग हो किसी की एक हज़ार होगी किसी की सौ रुपये होगी तो उस कंडीशन में डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा बॉन्ड्स खरीदें ए बी सी किसी की सौ रुपये किसी की हज़ार रुपये किसी की बीस हज़ार रुपये और पूछ रहा बताइए कौन सा बॉन्ड्स खरीदे तब थोड़ा सा मुश्किल आएगा उसके लिए हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा कि किस बॉन्ड से कितना रिटर्न मिल रहा है और जिसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा उसको हम खरीदेंगे ये मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया हूं कहा लेक्चर यहां देख लेते क्योंकि रिविजन चल रहा है इसलिए हमें रिटर्न को हम यहां क्या नाम देंगे ये निकालना पड़ेगा इसलिए हमें की जरूरत पड़ी तो चलो देखते हैं क्या है मान लो एक एग्जांपल लिया हमें क्या डिस्कस करना बॉन्ड्स ये एक है जे जेट सी बी मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स एक है परपेचुअल बॉन्ड और एक है कन्वेंशनल बॉन्ड्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसका फेस वैल्यू है बीस हजार इसका सौ रुपए इसका एक हज़ार इसका लाइफ है दस साल परपेचुअल का तो लाइफ ही नहीं होना है और कन्वेंशनल का पाँच साल लाइफ है कुपन पेमेंट नो डाउट होना ही नहीं था इसमें दस परसेंट इसमें बारह परसेंट और करंट मार्केट प्राइस ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा बॉन्ड खरीदे अगर आप आप इंटरसिक वैल्यू निकाल भी लेते हो निकाल भी लेते हो तो आप यह बता सकते हो कि बॉन्ड ए परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बॉन्ड बी इंडिविजुअल अलग अलग पर तीनों में से कौन सा बॉन्ड खरीदना है यह बताना मुश्किल हो जाएगा इसलिए अब हमें परसेंटेज में परसेंटेज टर्म में रिटर्न निकालना पड़ेगा यील्ड निकालना पड़ेगा अब सर यील्ड कैसे निकालें कैसा सर जितना मिलने वाला है डिवाइडेड बाय जितना लगाया दिस इज ओके तो अगर मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड बी की बॉन्ड सी की बात करूं बॉन्ड सी तो बॉन्ड सी की एक हजार का बारह परसेंट कितना एक सौ बीस एक सौ बीस मिलेगा हर साल इसको बोला जाता करेंट येंट यल्ड करेंट का मतलब कूपन पेमेंट डिवाइडेड प्राइस ऑफ बॉन्ड एक सौ बीस मिलेगा कितना लगाने से 850 तो परसेंटेज कितना आया 14.12 पॉइंट वन टू लेकिन साहब ठीक एक बात सोचो ना एक बात और क्या सर बताओ क्या सोचने आज कितना रुपए मैं बॉन्ड खरीदूँगी सर साढ़े आठ सौ आप नो no डाउट आपकी कमाई है कितने की एक सौ बीस रुपए की वो हमारी समझ में आ रही कि एक सौ बीस की आपकी हर साल कमाई होने वाली है लेकिन एक बात और फोकस करो कि आज आप सिर्फ आठ सौ पचास लगाओगे और आपको तो एक हज़ार मिलेगी ये भी तो आपकी कमाई है बात समझने की कोशिश करो बारीकियों से एक सौ बीस नो डाउट की कमाई है हर साल की रिटर्न है लेकिन इसके अलावा एक चीज आप इग्नोर कर रहे हो आपको एक्स्ट्रा भी तो मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा एक सौ पचास मिलने वाले भले ही वो हर साल नहीं मिल रहा लास्ट में मिलेंगे पर मिलने वाले हैं उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो इट मीन्स यील्ड में एक प्रॉब्लम है कि वो रिडीमेबल वैल्यू को इग्नोर कर देता है ठीक इन करंट यील्ड बाकी करंट यील्ड मतलब अभी कितना परसेंटेज है फोर्टीन पॉइंट वन टू अगर मैं ऐसी बॉन्ड बी की बात करूंगा तो लो भाई कूपन पेमेंट ही नहीं है अब बोलो क्या कुछ भी कमाई नहीं हो रही ऐसे कैसे बोल सकते हो तो करेंट यहां क्या है? नील जो कि रॉन्ग है टोटली और बॉन्ड दस हमेशा मिलेगा, तो दस रुपए मिलेगा कितना लगा के अस्सी लगा के तो ये बिल्कुल करेक्ट निकला मेरी बात समझना बॉन्ड बी में करेंट इल्ड मतलब कितनी कमाई बॉन्ड बी में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है बॉन्ड ए में और बॉन्ड सी में इसमें रिडीमेबल वैल्यू को इग्नोर कर दिया गया और जीरो कूपन बॉन्ड तो मैं तो करंट ये निकल ही नहीं सकता ठीक है हाँ बॉन्ड बी सही है तो इसी वजह से एक नया शब्द और आया पिक्चर में उसका नाम था करंट टू मैच्योरिटी मैच्योरिटी तक बताओ कितने की कमाई हो रही है ये सही है मैच्योरिटी तक अब हम बता सकते मैच्योरिटी तक कितनी कमाई हो रही है इसको बोलते हैं वाई टी एम ये टू मैच्योरिटी करंट यील्ड में प्रॉब्लम थी इसलिए क्या आया यील्ड टू मैच्योरिटी और आगे जो भी डिसीजन दिया लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा यील्ड टू मैच्योरिटी ओके सर अगर यहां की बात करो तो बताओ चार हजार नौ सौ लगा रहे हो और कितना कमा रहे हो बीस हजार तो याद है मैंने ऐसा करवाया चार हजार नौ सौ लगा रहे हो किस रेट से दस साल में ताकि कितना आ जाए बीस हजार आ जाए डर्टी पावर लगा सकते हो यस तो कमाई निकल जाएगी अब यहां कूपन पेमेंट को नहीं मैच्योरिटी वैल्यू को भी कंसीडर किया जा रहा है मैच्योरिटी वैल्यू को भी इसलिए इसका नाम क्या है येल्ड टू मैच्योरिटी चेक कर लेते हैं तो यहां देखो चार हजार नौ सौ लगाया है बीस हजार का तो बीस हजार डिवाइडेड बाय चार हजार नौ सौ डिवाइड करो पावर वन बाई टेन क्या इसको सॉल्व करना आता है आपको बोलो हाँ हाँ ना बोलने का सवाल ही नहीं डर्टी तो पावर तो पता नहीं कितने बार लगाए हमने सर प्लीज बता दो ना सर नहीं यार छोड़ो ठीक है तो यहां डाटी पावर लगाकर ये आ गया और दिस माइनस दिस कर दे तो आंसर कितना फिफ्टीन पॉइंट वन जीरो परसेंटेज पर एन एम दिस इज वाई टी एम ओके सर फिफ्टीन पॉइंट वन जीरो परसेंट यह आ रहा कि अगर हम जेट सी भी खरीदे तो मेच्योरिटी तक हम हर साल कितना कमाएंगे हर साल पंद्रह परसेंट के आसपास कमाएंगे हालांकि जिन लोगों को ये पसंद नहीं है सर ये अजीब सा हम लोगों को पसंद नहीं है बिल्कुल डर्टी पावर बोलते हो दिमाग खराब हो जाता है डर्टी पावर तो और एक तरीका है ट्रायल एंड एरर मैथड ट्रायल एंड एरर मैथड ये सर क्या होता है बेटे हम ना ये जेट सी को डिस्काउंटिंग करेंगे कोई भी दो रेट से बीस हज़ार रुपए को डिस्काउंटिंग करेंगे कोई भी दो रेट से ताकि हमारा आंसर चार हजार नौ सौ आ जाए इस तरह से पंद्रह परसेंट से डिस्काउंटिंग किया मैंने किसको बीस हजार को तो आंसर आ जाना चाहिए चार हजार नौ सौ पर आया फोर नाइन फोर फोर मैंने कहा फोर नाइन फोर फोर आया मतलब और बड़ा वाला रेट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो चार हजार नौ सौ लाना जितना बड़ा रेट से डिस्काउंटिंग करोगे उतना वैल्यू क्या आ जाएगा कम तो मैंने अगला रेट ले लिया सिक्सटीन परसेंट परसेंट कहां से मन मन से लिया हूं, सर, मन से सर बाकी वैल्यू तो तो अब की बार चार नौ सौ चौवालीस से कम हो गई लेकिन कुछ ज्यादा ही कम हो गई फोर फाइव थ्री फोर हो गई तो अब क्या करें अब मैं ट्रायल एंड एरर मैथड से वाई निकाल कैसे निकाल हूं? देखो। एक बढ़ाता हूं तो वैल्यू में चेंज हो जाता है चार सौ दस रुपये जबकि मुझे चेंज कितना करवाना है फोर्टी फोर रुपीज़ चेंज करवाना है मैं फिर से बोल रहा हूँ एक परसेंट पे चेंज हो जाता है चार सौ दस तो फोर्टी फोर कितने पे चेंज होगा और प्लस पहले से कितना है पंद्रह यूनिटरी मेथड है और कोई आप सीधा कर लो कितना चेंज करना है फोर्टी फोर और कितना चेंज हो रहा है 410 सौ दस फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई चारो दस एक परसेंट पे 410 चेंज हो रहा है जितना चेंज हो रहा उतना नीचे लग दो और कितना हमको चाहिए उतना ऊपर लिख दो तो आंसर आ जाएगा आंसर कितना आ गया फिफ्टीन पॉइंटेंट क्या लगभग उतना ही आ गया फिफ्टीन परसेंट ये डर्टी पावर से आया था ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आया था ठीक है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड ये रेट निकाल रहे हैं यील्ड निकाल रहे हैं एम निकाल रहा है इट मीन्स आप ऐसा रेट ले लो जिससे अगर आप डिस्काउंटिंग करो तो आई आर तो पढ़ा है यार आपने सी इंटर में इंटरनल रेट ऑपरेटर सर नहीं याद नहीं आ रहा तो मेरा लेक्चर देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको मिलेगा आई आर आर वहाँ से चेक कर सकते और शायद इसका भी लेक्चर डला हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस का वैल्यूएशन और बॉन्ड्स डला होगा आप चेक कर लीजिएगा ठीक है जी ओके सर तो ठीक है सर फाइनली 15 परसेंट की कमाई हो रही है अगर हम जेट सी भी खरीदे तो इसका हो गया अब अगला ले लेते हैं यस बॉन्ड बी बॉन्ड बी में तो कुछ है ही नहीं है मेच्योरिटी वैल्यू तो सीधी सीधी बात है दस रुपये की कमाई हो रही है अस्सी रुपये लगा के तो आंसर कितना जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बॉन्ड प्राइस कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय यल्ट बॉन्ड प्राइस जो निकाला मैंने फॉर्मूला वही वाला लिखा है बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला परपेचुअल बॉन्ड प्राइस ये मालूम है और ये मालूम है तो क्या ये निकल सकता है यस yes, ये निकल गए ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सर जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं उसमें करंट यल्ड निकालू या वाई टी एम निकालू क्या एक जैसा आंसर आएगा हाँ क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू तो होता नहीं है तो एक्स्ट्रा कुछ तो कमाई नहीं हो रही है कमाई सिर्फ कूपन की हो रही है तो बस सीधा कूपन लिख दिया आंसर आ गया याद करने वाली बात बस एक ही है कि परपेचुअल बॉन्ड में करेंट यल्ट और यल्ड टू मैच्योरिटी एक जैसा ही होता है इन परपेचुअल बॉन्ड करेंट यल्ट एंड वाई टी एम आर से सर जैसे पिछला आपने जेट सी भी करवाया था तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा ट्रायल एंड आयरन मेथड से करेंगे या फिर हम लोग आ, आपके आपका डर्टी पावर से करेंगे तो बेटे अगर मैं आपको आई सी ए आई मॉड्यूल के, के हिसाब से बोलूं तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना चाहिए स्टार्टिंग में आप एक काम कीजिए रेट दस परसेंट ले लेना फिर पाँच परसेंट बढ़ा देना फिर पाँच इस तरह से काम कर सकते ठीक है एंड लास्ट कन्वेंशनल वॉन्ट ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही होना है यहाँ क्या दिया एक हजार पाँच साल बारह परसेंट आठ सौ पचास तो सर स्टार्ट करें यस मैं ऐसे रेट से डिस्काउंटिंग करूं जितना भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो आने वाला है कि आंसर मेरा कितना आ जाए प्रेजेंट वैल्यू आठ सौ पचास आ जाए तो सर रेट कहाँ से स्टार्ट करेंगे दस परसेंट से क्या बेटे एक बात बताओ सोच के बारह परसेंट की तो ये कमाई हो ही रही है और साथ में एक सौ की और भी कमाई बारह परसेंट हर साल एक सौ बीस बारह परसेंट तो कमा ही रहे हो साथ में और भी तो एक्स्ट्रा कमा रहे हो इट मीनस आपकी जो यी एम वो बारह परसेंट आएगा कि उससे ज्यादा आएगा उससे ज्यादा कॉमन सेंस लगाइए ओके सर तो चलो कोई भी रेट ले ले लिया और हमने बारह से ज्यादा लेना था पंद्रह से डिस्काउंटिंग किया कितना एक सौ बीस पंद्रह परसेंट पाँच साल का फैक्टर और लास्ट में एक हजार पंद्रह परसेंट पाँच तो आंसर कितना है एट नाइन्टी नाइन जबकि आंसर कितना लाना है आठ आंसर कितना आ रहा है एट तो मतलब अब और बड़ा वाला रेट लेना पड़ेगा सर कितना बड़ा वाला ले चलो अठारह ले लिया तीन परसेंट यहाँ कोशिश ये करना कि दोनों रेट ज़्यादा पास में हूँ लेकिन सर तो और एक है ऐसा रेट मत ले लेना कि डिस्काउंटिंग करने के बाद 850 से ज़्यादा ही आंसर आ रहा हो से कम आंसर आना चाहिए सर ये कहाँ से पता लगेगा अब ये हमको कोई सपना आएगा कि साइड वाले से पूछेंगे हम कि बताओ कौन सा रेट लेना है ये आपके एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा और अभी तक इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा हाँ सर बहुत सारे अटैम्प्ट हो गए गुड तो चलो देखते हैं 120 और ये 18 परसेंट से डिस्काउंटिंग किया पाँच साल एक परसेंट पर आंसर कितना आ गया आठ क्या आठ इन दोनों के बीच में है जी तो चलो पंद्रह परसेंट से जब मैंने डिस्काउंटिंग किया था तो एट नाइन्टी नाइन आया एटीन परसेंट से डिस्काउंटिंग किया तो एट वन टू आया तो बॉन्ड का वैल्यू कितने रुपए से गिर गया एटी सेवन रुपीज़ से अगर मैं थ्री परसेंट चेंज करता हूँ पर मुझे डाउन तो करवाना पर कितना डाउन करवाना फोर्टी नाइन ही डाउन करवाना है यूनिटरी मैथड 87 डाउन होता है कितने परसेंट पे थ्री परसेंट पे तो 49 कितने परसेंट पे डाउन होगा और फिर मतलब सीधी सीधी बात है ऊपर क्या लिखा कितना चाहिए 49 कितना चेंज हो रहा है 87 into 3 इंटू थ्री कर दिया और आंसर आ गया 16.69 परसेंट अब निकल गया तीनों का वाई टी एम और बताओ किसमें वाई टी एम ज्यादा दिख रहा बॉन्ड सी तो कौन सा बॉन्ड खरीदना चाहिए बॉन्ड सी शुड बी परचेज ड्यू टू हाईस्ट वाई टी एम ठीक है ओके सर मैंने कहा देखा जाए तो अभी तक जो बात हुई है बॉन्ड्स वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन में वो बात इतनी हुई है सबसे पहले मैंने इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना सिखाया फिर इंट्रेंसिक वैल्यू में हम ये तो डिसाइड कर पा रहे थे कि बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए पर बड़े सारे बॉन्ड्स से तो और उसमें से कौन सा खरीदना चाहिए ये डिसाइड करना तो आपको रिटर्न ही देखना पड़ेगा यील्ड ही देखना पड़ेगा अब यील्ड भी दो टाइप की है करेंट यई टी एम येल्ड टू मैच्योरिटी करंट यील्ड अच्छा है पर समस्या है कि बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देता था सिर्फ कूपन पेमेंट लेता था यार ये भी कोई बात हुई तो फिर हमने कहा नहीं हमें मैच्योरिटी तक कितनी कमाई हो रही है ये देखना पड़ेगा उसके लिए हम किस पे पहुंच गए वाई टी एम और वाई टी एम निकाले और वाई टी एम मैंने सिखा दिया सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करो बाकी वाई टी एम में आपको दिक्कत नहीं होगी अब सुनो आपका इंस्टीट्यूट बोलता है कि वाई टी एम ये अच्छा है पर बोले क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम होता है तो बोले और एक तरीका है अच्छा सिर्फ इस बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं बॉन्ड सी बोले और एक तरीका वाई निकालने का कितनी कमाई हो रही है हमने कहा बताओ बोले ये भी एक तरीका और ये है बोले हम फॉर्मूला लगा देंगे फॉर्मूला और सच्चा हमने कहा फॉर्मूला क्या लगा रहा है बोले फार्मूला ऐसे साहब देखो सुनो 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 फॉर्मूला क्या है बोले एक हज़ार का बारह परसेंट बोले एक सौ बीस रुपये तो कमा ही रहे हर साल हमने कहा ठीक है एक सौ बीस रुपये कमा रहा है और 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 सुनो ये जो है ये आठ सौ पचास लगा रहे हो और एक हज़ार तो मतलब सर आप डेढ़ सौ रुपये और कमा रहे हो हमने कहा सर डेढ़ सौ रुपये कमा रहा है कोई एक साल में नहीं कमा रहा बोले पाँच साल में कमा रहे ना तो ठीक है डिवाइडेड बाई फाइव कर दो अच्छा एक सौ पचास डिवाइडेड बाई फाइव कितना हो तो एक सौ पचास डिवाइडेड बाई फाइव बोले तीस रुपये की ये कमाई हो रही है राइट एक सौ आपको ब्याज का मिल रहा है और तीस रुपए ये कैपिटल गेन हो रहा है एक टाइप से तो टोटल साल भर की एक सौ रुपए की कमाई हो गई और डिवाइड किससे कर देना 850 से पर एवरेज लेना पड़ता और एवरेज क्यों लेना पड़ता भी, ये भी मैंने आपको बेसिक क्लास में समझा रखा है रेगुलर क्लास में ठीक है वही फॉर्मूला बनाया एक ये कूपन हो गया आर माइनस एमपी एमपी का मतलब मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस की मतलब एवरेज सा तो कर क्यों करना है एवरेज क्यों, क्यों करना ये समझाऊंगा पहली बात एवरेज क्यों करना इसका जवाब तो आपको सीए इंटर में ही पूछना चाहिए था सीए आईपीसीसी में पूछना चाहिए था क्योंकि ये आपने कहा पढ़ रखा और क्या ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है yes. यस कहाँ पड़ा हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सर अभी पूछे तो बेटे अभी पूछो मुझसे मैं तो भी बताने को तैयार हूँ पर अभी नहीं बता सकते क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है ठीक है सर नहीं बताना तो आप बोल सकते हो तो ये आ गया सिक्सटीन पॉइंट टू टू परसेंट ठीक कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने समझा दिया कैलकुलेटर ट्रिक जो कि यहाँ लिखा हुआ है मतलब मतलब ये है कि मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा एक ही बार में कैलकुलेटर में खत्म करूंगा वही मैंने यहाँ लिखवाया रेगुलर क्लास में बच्चों को समझाया था अब जरा काम की बात समझे तो सर ये जो बॉन्ड से कन्वेंशनल बॉन्ड इसके से वाई निकालने के दो तरीके हो गए बिल्कुल से कौन कौन से तरीके हो गए जरा देखो सर पहला तरीका ये हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा है फॉर्मूला पर सर दोनों से आंसर सेम नहीं है हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से आ रहा है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट ओके यस जबकि फॉर्मूला मेथड से आ रहा है आपका सिक्सटीन पॉइंट टू टू परसेंट लेकिन सुनो एक्यूरेसी किस में है एक्यूरेसी उसमें है इसमें नहीं इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया ठीक है पर फिर भी इंस्टीट्यूट इसी को वाई टी एम बोल देता है चलो ठीक है हमारे लिए अच्छी बात है इसका मतलब सर हमें कैसे करना बता दो अगर कन्वेंशनल बॉन्ड्स कन्वेंशनल बॉन्ड्स में समझा रहा हूँ अगर इंटरेस्ट कम ज़्यादा कम ज्यादा कम ज़्यादा होगा तो भैया ट्रायल एंड एरर मेथड ही करना पड़ेगा लेकिन कूपन हर साल एक जैसा है और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू है बस कूपन में सीधी बार बोल रहा हूँ अगर इंटरेस्ट हर साल एक जैसा है तो आप फॉर्मूला लगाइए खुश हो जाइए बस वाई टी एम निकाल लीजिए ठीक है ठीक है सर तो फाइनली हमारा वाई टी एम खत्म हो गया क्वेश्चन बना लेते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाया है। ये जो दिखाई दे रहा है ये भी मैंने कहाँ से लिया सर प्रैक्टिस मैंने से उठाया है जरा देखते हैं क्या नाइन परसेंट फाइव ईयर ठीक है भाई पांच साल समझ में आ गया इश्यू प्राइस कितना नब्बे नब्बे रुपए में हमें बॉन्ड मिल जाएगा और रिडेम्पन कितने में होगा एक सौ पाँच वाओ! नब्बे का खरीदिए और आपको पाँच साल बाद एक सौ पाँच मिलेगा खुशी की बात है कैपिटल गेन हो रहा है इनकम टैक्स रेट है थर्टी परसेंट और कैपिटल वो लो इस बार तो टैक्स भी है तो आपसे मालूम है वाई टी नहीं पूछेगा पोस्ट टैक्स वाईटीएम पूछेगा पोस्ट टैक्स वाईटीएम अब सर कैसे निकालते हैं चलो भाई आपकी इंटरेस्ट की कमाई कितनी है फेस वैल्यू सौ कुछ नहीं बोला तो सौ याद रखना अगर बॉन्ड्स का फेस वैल्यू कुछ नहीं लिखा है तो रुपीज हंड्रेड एज्यूम करना तो सर सौ रुपये का नौ पर सर नौ रुपये ब्याज मिलेगा बिल्कुल सही नौ रुपये ब्याज मिलेगा और नौ रुपये ब्याज मिलेगा तो क्या गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं वो तो टैक्स ले लेगी तो टैक्स काटने के बाद सर आपको कितना मिलेगा चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ नाइन वन माइनस सिक्स पॉइंट थ्री मिलेगा ठीक उसके अलावा सर कैपिटल गेन भी हो रहा है यस कितना लगा रहे थे एक सौ पाँच तो सर आपको 105 आना चाहिए आना चाहिए मुझे 105 लेकिन बेटे 105 में से 90 लगाया था गवर्नमेंट कहेगी कि साहब आपको 105 मिल रहा है जबकि आपने पैसे कितने लगाए थे नब्बे रुपए तो बोले आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और कितना टैक्स दस परसेंट टैक्स देना पड़ेगा तो एक तो टैक्स कट जाएगा सीधी सी बात में क्या बोल रहा हूँ रिडीमेबल वैल्यू लास्ट में मुझे एक मिलेगा एक रुपए मिलेगा नो डाउट पर 105 में से मुझे उस दिन 10 साल बाद कितने साल पांच साल बाद कैपिटल गेन भी तो टैक्स कटेगा और कटने के बाद मुझे नेट रिडीमेबल वैल्यू कितना मिलेगा एक सौ तीन रुपए पचास पैसे इसका मतलब अब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा यहां छह रुपए तीस पैसे जाएगा और यहाँ जाएगा एक सौ पैसे बस बाकी तो सब सेम है आंसर आ जाएगा नाइन परसेंट ठीक है ओके सर बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे क्या कर सकते हैं सौ पाँच माइनस नब्बे ये टाइम पास मत कर देना गलती से इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मूला लिखवा रखा चले जी आगे चल रहे हैं और एक क्वेश्चन लिया है मैंने और क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ द फेस वैल्यू कितना है ग्यारह मतलब सौ रुपए का ग्यारह परसेंट ग्यारह रुपए मिलेगा कितने साल तक तीन साल तक ठीक है और रिडीम्ड कितने में होगा रिडीम्ड कुछ ना बोलना है तो फेस वैल्यू पे रिडीम्ड इफ यू वॉन्ट टू यसेंट हमारा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है थर्टीन परसेंट तो बोले बताइए आप बॉन्ड्स के लिए मैक्सिमम प्राइस कितना देंगे ठीक है वैल्यू निकाल देते हैं डिस्काउंटिंग किस रेट से करेंगे 13%. तो ग्यारह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्टीन परसेंट तीन साल का ये ले लिया और सौ रुपए कुछ ना बोला तो फेस वैल्यू पर रिडीम थर्टीन परसेंट का तीसरे साल का फैक्टर तो नाइनटी फाइव हम भाई पंचानवे रुपए नाइनटी फाइव रुपीज और सत्ताईस पैसे दे सकते उससे ज्यादा नहीं देगा बॉन्ड के लिए अगर बॉन्ड नाइंटी सेवन का बिक रहा है हम दे सकते 95 अब सुनना बेटे हम दे सकते 95 और बॉन्ड बिग कितने का है 97 का महंगा है मतलब अब अगर देखा जाए हमारी कमाई हमारी कमाई 13% नहीं होगा 13% से कम ही होगा वो क्या बोल रहा है वाईटीएम निकालो तो वाईटीएम 13 से कम होगा हम फॉर्मूला लगाते हैं ना बात करता कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम टैक्स-विक्स का झंझट है नहीं है तो फटाफट से काम होगा 11 सौ रिडीमेबल है सौ मिलेगा नाइन्टी सेवन पॉइंट सिक्स का अभी हम खरीदेंगे डिवाइडेड बाय थ्री तो आंसर कितना जाएगा इलेवन पॉइंट नाइन फोर परसेंट और मैंने यहाँ अप्रॉक्स लिख दिया भाई टेंशन खत्म ठीक है जी सर आगे चले ये क्वेश्चन अच्छा है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन हालांकि ऐसे और एक क्वेश्चन है अपनी बुक में देखोगे जिन्होंने मुझसे क्लास लिया है एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है ऐसे वाला उसको करके जाना भाई देखो बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स मिस्टर जेट हैज डिसाइडेड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट क्या है बॉन्ड खरीदना है तो अब आपके पास तीन टाइप की कंपनी है एक ऐसी कंपनी है जिसका क्रेडिट रेटिंग ए है किसी का डबल ए है किसी का ट्रिपल ए है अब एक बात बताइए सर क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आप बॉन्ड्स खरीदने का सोच रहे हो मान लो तो ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो जिसका क्रेडिट रेटिंग सबसे अच्छा है मतलब डिफाल्ट करेगी ही नहीं अगर वो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना तो वो कम भी रिटर्न देगी ना तो चल जाएगा मतलब मेरा रिक्वायर रेट रिस्क कम है तो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कम पर ऐसी कंपनी जो रिस्क डिफॉल्ट कर सकती है टेंशन है थोड़ा सा टेंशन है टेंशन है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा तो सर पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो यही बात थी यहाँ के बोले ऐसी कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी है ट्रिपल है अगर मैं इस कंपनी का बॉन्ड्स खरीदूंगा तो डिस्काउंटिंग रेट लेंगे हम तीन ट्रेजरी बिल रेट प्लस तीन परसेंट एक्स्ट्रा लेना तो सर ये थ्री सिक्सटी फोर टी बिल रेट ये दिया रहेगा ना बेटे नीचे ओके पर बोले अगर डबल ए है मतलब रेटिंग कम है तो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न रे रे, ज़्यादा कर लेना बोले ये भी ले लेना और ये भी ले ये तो लेना ही ले लेना और दो परसेंट और एक्स्ट्रा छोड़ देना और जो, जो से जो सबसे ख़राब कंपनी है बोले जो इस कंपनी का उससे रिक्वायर मतलब हमारा हमें और भी तीन परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए अब भाई मिस्टर जेड पहले ये तो बताओ कौन सी कंपनी का बॉन्ड खरीदना चाहते हो ही इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन डबल ए रेटेड मतलब कौन सी कंपनी फाइनल हुई ये वाली रुपीस थाउजेंड फेस वैल्यू बॉन्ड करेंटली अभी कितने का बिक रहा है एक हजार पच्चीस एट सिक्स का बॉन्ड है नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू वन ईयर फ्रॉम टूडे भाई ये तो पता है ना यार आज से बोले एक साल बाद मिलेगा ठीक है द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार्टी फोर टी बिल रेट टू बी नाइन परसेंट इंपॉर्टेंट तीन दिन ट्रेजरी दिन रेट 9 परसेंट अब कुछ लोगों को यार माँ क्या सोचते हैं भाई बच्चे तो मैं तो यार हैरान हो जाता हूँ चरण स्पर्श करने का दिल कर सोचते देखे से। अच्छा अगर मैं मेरी बात समझूँ ना मुझे डिस्काउंटिंग रेट का खेल है अगर मैं मेरे लिए कौन सा बॉन्ड खरीदना डबल ए अगर डबल ए होता तो मैं क्या करता ट्रिपल ए मतलब यार ऐसा ले, ले लेता नाइन तो लूंगा ही लूंगा प्लस तीन और ले लेंगे प्लस इसका दो और ले लेंगे तो और इन बारह नॉर्थ इन बारह ही होता ना हाँ बारह और चौदह चौदह परसेंट डिस्काउंटिंग रेट ले लेते बात खत्म आम आदमी ऐसे ही सोचता अब बच्चे लोगों का देखो एक्स्ट्रा दिमाग बच्चे लोग सोचते अच्छा बेटी मेरी बात समझ रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो दिमाग कभी नहीं चला होता कभी नहीं चला होता वो एग्ज़ाम के दिन चलता एक्स्ट्रा और कहाँ से सोच लेते हो देखो कैसा चलता है ऐसे चलता है अच्छा अब देखो दिमाग एग्जाम में क्या चलने वाला है अरे यार ये तीन सौ पैंसठ क्यों नहीं लिखा भाई तीन सौ ही क्यों लिखा कुछ ना खेल तो होगा और खेल हो तो फिर हम भी कुछ खेल खेलते हैं और देखो कैसे करेंगे सर नाइन परसेंट जो रेट है ना वो तीन सौ चौसठ दिन का है तो 9 परसेंट जो रोई रेट है वो तीन दिन का तो तीन दिन का कितना होगा और वो मान लो आ गया 9.2 पॉइंट परसेंट मन से बोल रहा हूँ 9.2 परसेंट तो सर फिर यहाँ हमको 9.2 पॉइंट बेटे बेकार की चीज़ मत सोचना प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे ये एक्स्ट्रा जो दिमाग चलाती हूँ ना अभी छोड़ दो एक बार सी बन जाओ उसके बाद चलाना ठीक है सर लेकिन सर बात तो सही है बेटे बात सही नहीं है ये रेट पर ही है बाकी मैंने रेगुलर क्लास में डिस्कशन किया हूँ डिटेल ठीक है सर चलो तो फाइनली डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है फोर्टीन परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं कितने से इतना सारा लिख दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ एक हज़ार पे पंद्रह परसेंट कूपन तो एक हज़ार का पंद्रह परसेंट कितना हो जाएगा एक सौ पचास और फोर्टीन परसेंट से डिस्काउंटिंग कितने साल के लिए कितने साल का बॉन्ड है पाँच साल पाँच साल लेना है यार कहाँ लिखा है पाँच साल फाइव ईयर्स इस तरह से लिखते तो दिखेगा कैसे पाँच साल का तो पाँच साल का फैक्टर लिया और लास्ट में रिडीमेबल एट पार बोला यहाँ पाँच साल का पी लिया है तो टोटल कितना आ गया वन जीरो थ्री फोर पॉइंट थ्री सिक्स दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूँ तो मैं एक हजार चौंतीस रुपया कमाऊंगा मिल कितने कर रहा बॉन्ड सर मिल रहा है एक हज़ार पच्चीस सस्ता मिल रहा भाई सस्ता एक हज़ार पच्चीस सस्ता मिल रहा अंडर प्राइस है बॉन्ड शुड बी परचेस्ड बात खा

और ये आंसर आ गया बस एक बात याद रखना सुनो 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 जब मैं पेपर चेक करता हूँ ना तो बड़े टेंशन में आ जाता हूँ भाई विश्वास नहीं हो रहा इतना ज़्यादा टेंशन में कि यहाँ बच्चे गलती कैलकुलेशन मिस्टेक और यहाँ गलती हो जाती है माइनस में आएगा माइनस में ठीक है बच्चे यहाँ भी प्लस कर देते बस इतना कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए सर नहीं तो आपको ना मालूम है आई क्या करता है ऐसा लगाता है और फिर पता नहीं फिर क्या हो जाता ये 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 और जीरो अब हमारे मन में या था ये भाई इसका तो नंबर दो यार पर प्लीज आप कैलकुलेट में डरा नहीं रहा मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे धीरे धीरे करो क्वेश्चन चलो जी आगे रियलाइज वाई टी क्या कॉन्सेप्ट है सर रियलाइज वाई टी वाई में एक एजेंशन है एजेंशन जैसे आई में हुआ करती थी सी ए में और एजेंशन क्या हुआ करती थी कि जो इंटरमीडियरी कैश फ्लो आते हैं वो उसी रेट पर आई वाले रेट पर इन्वेस्ट होते हैं सर बड़ा मुश्किल है समझना बस मैं भी तो जानता हूँ बहुत मुश्किल आपके लिए वाई में एजेंशन है कि वो जो आप कमाते हो उसका री इन्वेस्टमेंट होगा री इन्वेस्टमेंट वो उसी रेट पर होगा वाई जो कि गलत है अब कैसे ये मैंने अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है सर ठीक है पर मैं आपको थोड़ा सा आप इसके लिए तो आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा कि यहाँ रियलाइज्ड वाई टी एम क्या है वाई टी एम बिल्कुल सही है वाई टी एम की जो गलत एजमिशन है उसके लिए आए रियलाइज वाई टी एम एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या था सुष्मिता ने एक्वायर किया बॉन्ड कितने रुपए का एक हजार का तो सर कितना मिलेगा पंद्रह परसेंट कूपन मिलेगा पंद्रह परसेंट एट द टाइम ऑफ परचेस द बॉन्ड हेट चार साल लाइफ एज्यूमिंग एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट सुस्मिता एक्चुअल वाई टीएम इफ ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट वर री इन्वेस्टेड अर्निंग एट अठारह परसेंट पहले तो आपको वाई टी एम निकालना पड़ेगा वाई टी एम नॉर्मल वाई टी एम निकालोगे फिर इफ के बाद अलग से पार्ट है अगर इंटरेस्ट पेमेंट जो रीइन्वेस्ट हो रहा है वो कितने परसेंट पे होता है अठारह परसेंट पे तो बताइए सुष्मिता का रियलाइज वाईटीएम क्या होगा इफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट वर स्पेंट इमीजिएटली अपन रिशिप दो अलग अलग कंडीशन है आ, वाई टी मैंने निकाला नहीं आप फॉर्मूले से वाई निकाल लेना मैं सीधा रियलाइज वाई पे यहां मैंने करवाया क्वेश्चन

18 परसेंट पे तो 18 परसेंट पे मैं अगर तीन साल एक साल दो साल तीन साल तो मेरा हो जाएगा 246.45 फिर मुझे मिलेगा सेकंड ईयर में 150 रुपए तो उसको मैं थर्ड एंड फोर्थ दो साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं तो आ जाएगा 2866 फिर मिलेगा 150 तो उसको एक साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं 177 और फोर्थ ना मुझे कंपनी से 150 150 और और 1000 1000 ये इंटरेस्ट का किस रेट पे कर रहे हो एटीन परसेंट क्योंकि भाई री इन्वेस्टमेंट रेट अलग हो सकता है जरूरी थोड़ी ना कि री इन्वेस्टमेंट रेट वाई ही होगा ठीक है ये, ये मैंने डिस्कशन किया था बस कितना लगा रहा एक हजार पावर फोर कर दिया ये इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया फिफ्टीन पॉइंट फाइव फोर दिस इज रियलाइज वाई टी एम जबकि वाई टी एम में अलग एजेंशन होती है वहां आप देख लो रियलाइज वाई टीम में बताएगा कि री इन्वेस्टमेंट किस रेट पे करना यहां क्या है यहां बोले री इन्वेस्टमेंट रेट जीरो परसेंट है हम कर ही नहीं रहे पूरा खर्च कर दे रहे तो ठीक है जी 150 मिला ये भी 150 मिला ये भी 150 सौ पचास और ये टोटल मिलाकर कितना मिला 16 तो ये आ गया 12.47 परसेंट ठीक है ओके सर इट मींस यहां टोटल मिलाकर कितना मिला सोलह सौ चार साल में मिलाकर यहां टोटल मिलाकर कितना मिला वन सेवन एट टू क्योंकि अठारह परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे थे और यहां जीरो परसेंट पे इन्वेस्ट मतलब कर ही नहीं रहे थे बस पैसे आ रहे खर्च किए मतलब टोटल कितना पैसा आया ये आपको देखना पड़ेगा तो ये था रियलाइज वाई अब आपका थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक आ गया बॉन्ड रिस्क दो मिनट का ब्रेक ले लेके यार ना मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा दो मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर बॉन्ड रिस्क स्टार्ट करते हैं दो मिनट चलो जी अगला टॉपिक है बॉन्ड रिस्क मतलब ये हुआ कि एक तो हमने क्या पढ़ा इंट्रेंस वैल्यू ऑफ बॉन्ड दूसरा क्या पढ़ा बॉन्ड अब क्या पढ़ा है बॉन्ड रिस्क क्या बॉन्ड्स खरीदने से बॉन्ड्स में पैसा लगाने से कोई रिस्क है जनरली स्टॉक खरीदते हो आप शेयर में खरीदते तो रिस्क है बॉन्ड्स में तो यार इंटरेस्ट मिलेगा ना यार ऐसा थोड़ी ना कि डिविडेंड कभी कम मिला कभी ज़्यादा तो रिस्क है कि नहीं है है तभी तो पड़ा बॉन्ड रिस्क क्या रिस्क है बिट इस रिस्क ऐसा है मैं अपने एंगल से बात करूं तो मैंने जब बॉन्ड्स खरीदा था मैंने जब बॉन्ड्स खरीदा था उस समय मार्केट में रेट चल रहा था टेन परसेंट तो मुझे भी जो बॉन्ड्स खरीदा मैंने वैल्यू निकाला मुझे दस परसेंट ब्याज मिल रहा मैं बहुत खुश हूं और एग्रीमेंट हो गए कंपनी के साथ कि कंपनी ने कहा ठीक है ये बॉन्ड्स दस साल तक आपके पास रहेगा आपको हर साल दस परसेंट ब्याज मिलेगा मैंने कहा वाह खुशी का ठिकाना नहीं चलो दस परसेंट मिलेगा क्योंकि मार्केट में भी दस परसेंट मिल रहा था मुझे भी दस परसेंट मिल रहा है खुशी का ठिकाना है पर बिट्टे कितने साल का एग्रीमेंट हो चुका है दस साल ये बॉन्ड मेरे पास दस साल तक रहेगा और चाहो तो मैं बीच में बेच भी सकता हूं ऐसा नहीं कि बेच नहीं सकता अगले साल मार्केट में रेट बारह परसेंट हो गया रेट बढ़ गया बारह परसेंट हो गया अब मुझे इससे कितना मिलेगा क्या मुझे बारह नहीं कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया कि दस ही मिलेगा तो अब आप फंस गए आपको कितना मिलेगा सर दस परसेंट जबकि मार्केट में कितना बिक रहा है बारह परसेंट मिल रहा है लोगों को ब्याज और मुझे सिर्फ दस परसेंट तो मैं मैं तो रखना ही नहीं है ऐसा बॉन्ड मैं कंपनी के पास गया मैंने कहा कंपनी ये बॉन्ड कोई दस परसेंट मतलब यार कंपनी का ये नई एग्रीमेंट है मैंने कहा ठीक है मैं मार्केट में भेज देता हूँ बोले भेज दो भाई अब क्या फ़र्क पड़ा मैं मार्केट में गया और बेचने गया तो सुनो इस बार इसकी जो कीमत है जितने में मैंने खरीदा था उतनी नहीं रह जाएगी सोच के बताओ बेटी कॉमन सेंस लगाओ क्या इस बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी एग्जैक्टली अगर मैंने इस बॉन्ड को मान लो सौ रुपया में खरीदा हो तो अब चूंकि सबको दस परसेंट मिल रहा था तो मुझे भी दस परसेंट मिल रहा था लेकिन अब सबको बारह परसेंट मिल रहा है तो कोई मेरी चीज़ दस परसेंट वाली खरीदने को तैयार हो जाएगा लेकिन इसके लिए पैसे सौ रुपये नहीं देगा फिर कम पैसे देगा कॉमन uh, लैंग्वेज हमको बात समझ में आई पर फिर भी एक सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज है कि पहले डिस्काउंटिंग जो रेट से होता था अब डिस्काउंटिंग रेट 12 परसेंट से होगा पहले डिस्काउंटिंग किस रेट से कर रहे थे 10 परसेंट से वैल्यू निकलने के लिए और अब रेट कौन सा हो जाएगा 12 परसेंट और ही रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी ये बात सिंपल सी बात है ये एक बॉन्ड थ्योरम हो गया बॉन्ड थ्योरम है कि येल्ड या मार्केट का रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का वैल्यू गिरता है तो रिस्क है और उस रिस्क को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल मुझे बॉन्ड रिस्क में यही निकालने की कोशिश करूँगा कि अगर मार्केट अपोजिट अपोजिट होता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेरे बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा कितने गुना जाता और ये निकालने के लिए मुझे ड्यूरेशन पढ़ना पड़ेगा रिस्क पढ़ना पड़ेगा सीधी सी बात है इफेक्टिव ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मार्केट में रेट बढ़ा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है काम तो वो मुझे परसेंटेज ताकि मैं फिर कोई फटाफट से एनालिसिस कर सकूं ये रेट निकालना मैं टाइम से निकालना चाहता हूं मैं सपोज 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 मैंने एक निकाला टू टाइम्स टू टाइम्स मन से बोल रहा बोला टू टाइम्स क्या है टू टाइम्स का मतलब यह मार्केट अगर एक परसेंट से बढ़ा तो बॉन्ड का वैल्यू दो परसेंट से गिरेगा दिस इज टू टाइम्स और इस टू टाइम्स को हम बोलेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक नाम दूंगा मैं सेंसिटिविटी नाम देते सेंसिटिविटी समझने की कोशिश करते हैं क्या बात है एक एग्जाम्पल लिया बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा इस पर एक एग्जाम्पल करूंगा बात खत्म करूंगा फेस वैल्यू बॉन्ड कितना दिया है एक हजार कूपन पेमेंट कितना दिखाई दे रहा है ठीक लाइफ है पांच साल करंट मार्केट प्राइस है एक हजारी एम भी बारह परसेंट बताओ कैलकुलेट इफेक्टिव ड्यूरेशन इफेक्टिव ईडी मतलब इफेक्टिव ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन इफ वाई टी एम चेंजेस बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर कूपन पेमेंट भी है 12 परसेंट वाई भी है 12 परसेंट तो 100 परसेंट और रिडीमेबल एट पार है तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होगी वही मार्केट प्राइस होगी तो देखा जाए तो अभी मार्केट प्राइस कितना एक हज़ार है वही उसने अगर ये नहीं भी बताता तो एक हजार हो जाता ठीक है अब इफेक्टिव ड्यूरेशन में क्या होगा जिसको शॉक देते हैं मतलब अगर वाई टी बेसिस पॉइंट से चेंज हो जाता मतलब डिस्काउंटिंग रेट अब मुझे 12 परसेंट से नहीं करना है 12.5 परसेंट से करके देखूंगा 12 परसेंट से ज़्यादा और 12.5 परसेंट 12, ट्वेल्व 12 परसेंट से 0.5 परसेंट कम मतलब मैं कहूँगा अगर रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा अगर रेट 0.5 परसेंट से गिर गया तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा बढ़ने पर बॉन्ड का वैल्यू नो डाउट गिरेगा नाइन आ गए और यहाँ 11.5 पॉइंट फाइव मतलब मैंने पॉइंट फाइव परसेंट चेंज कर रहा हूँ अपने डिस्काउंटिंग रेट में एक में बढ़ा दिया एक में कम कर दिया तो बॉन्ड की वैल्यू में चेंज हो गया तो बताओ बॉन्ड की वैल्यू में कितना चेंज हुआ इफेक्टिव ड्यूरेशन का फॉर्मूला बताया हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस और टू इंटू थाउजेंड इंटू चेंज इन ये आ गया थ्री पॉइंट सिक्स वन टू थ्री पॉइंट सिक्स वन टू का मतलब मतलब समझा रहा हूँ ये जो निकला इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड की वैल्यू सॉरी मार्केट का रेट मार्केट यील्ड एक यील्ड एक परसेंट से बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा कितने परसेंट से थ्री पॉइंट सिक्स वन टू परसेंट से सर ये क्या निकाला है एक्चुअल में कैसे समझ बेटे एक्चुअल में अगर समझना है तो टाइम लगेगा और टाइम सर लगा दो ना क्या फ़र्क पड़ रहा है चलो मैं लगाता हूँ एक्चुअल में ये क्या है? मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा अभी बॉन्ड की वैल्यू कितनी है सर मार्केट प्राइस है एक हजार कितनी हो सकती है नाइन बोलो कितने का चेंज हो सकता है कितने का चेंज चेंज निकाल रहा हूं में मैं क्या चेंज इन बॉन्ड प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई ये बात समझ में आ रही है ना सेंसिटिविटी बोलते वाई मतलब मार्केट वाई वाई में कितने का चेंज मार्केट में कितने का चेंज तो बॉन्ड की प्राइस में कितने का चेंज टाइम्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं इट मींस अगर वाई में एक परसेंट का चेंज है और यहाँ थ्री परसेंट का चेंज है तो ये कितना जाएगा थ्री टाइम्स ठीक है इसी को आप डोरेशन नाम देते हो ये चेंज इन बॉन्ड प्राइस कैसे निकलेगा बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन कैसे होता है ये समझा चुका हूँ पर फिर भी मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा पहले कितना था एक हजार अभी कितना आ गया नाइन टू पॉइंट सेवन बता सकते कितने परसेंटेज का चेंज हुआ एक हजार माइनस नाइन एटी टू पॉइंट वन सेवन बेस में तो एक हजार ही लोगे एक हजार माइनस नाइन एटी टू पॉइंट वन सेवन डिवाइडेड बाई एक हजार इन टू हंड्रेड तो ये आया सर वन पॉइंट सेवन एट थ्री परसेंटेज अगर यहाँ की बात करो यहाँ कितना परसेंट एक हज़ार अठारह पॉइंट टू नाइन माइनस एक हज़ार बेस क्या लोगे एक हज़ार एक हज़ार अठारह पॉइंट टू नाइन माइनस एक हज़ार बेस आएगा एक हज़ार इन टू हंड्रेड तो ये आ गया वन पॉइंट एट टू नाइन परसेंट इट मींस इतने परसेंटेज का भी चेंज हो सकता है बॉन्ड की प्राइस में इतने परसेंटेज का भी चेंज इसका एवरेज मार लेते हैं एवरेज की कीजो 1.783 प्लस 1.829 डिवाइडेड बाय टू करो 1.783 प्लस 1.829 डिवाइडेड बाय टू तो आंसर आ गया है 1.806 परसेंट का चेंज होगा ऑन एन एवरेज किस में बॉन्ड की प्राइस में बॉन्ड की प्राइस में 1.806 परसेंट का चेंज होगा अगर वाई कितने परसेंट से चेंज हो जाए 0.5 परसेंट से तो कर सकते हो 1.806 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आंसर आ जाएगा ये 3.612 ये डेरिवेशन कैसे हुआ ये सर फॉर्मूला क्या कैसे डेरिवेशन हुआ वो मैं एक रेगुलर क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ जिन्होंने किया वो देख लीजिए ये थ्री पॉइंट सिक्स वन टू है क्या एक्चुअल ये थ्री पॉइंट सिक्स वन टू ये है कि अगर अगर वाई परसेंट से बढ़ेगा क्योंकि के हिसाब से मुझे अगर वाई टी एम वन परसेंट से बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा कितने परसेंट से थ्री पॉइंट सिक्स वन टू परसेंट से इसका नाम क्या है इफेक्टिव ड्यूरेशन जहां बताएगा कि यार बॉन्ड के जो वाई टी एम है उसमें चेंज करना फिफ्टी बेसिस पॉइंट जहां ऐसा बताएगा तो आप इस तरह से पहले काम करोगे और फिर इफेक्टिव ड्यूरेशन निकालोगे और इसका डेफिनेशन भी चाहो तो लिखते हैं और एक टाइप से इसी का कैलकुलेशन और एक टाइप से निकाला जा सकता है जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन अच्छा सर सर ड्यूरेशन उसके लिए सबसे पहले ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा बॉन्ड ड्यूरेशन ये कैसे निकाला जाता है पहले सुन लो फिर मैं समझाऊंगा पहले ईयर लिखा ठीक है सर पाँच साल एक दो तीन चार पाँच उसके बाद कैश फ्लो लिखा एक 120 एक 120 एक 120 एक 120 बीस और लास्ट में कितना मिलेगा 1120 इंटरेस्ट और लास्ट में और डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से 12 परसेंट बारह परसेंट दे रखा है 12 परसेंट से मैंने डिस्काउंटिंग रेट लिया और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला यहाँ तक तो आता है आपको अब प्रेजेंट वैल्यू कोई शक की बात नहीं है एक ही आएगा अब उसके बाद मैंने गा। <तन्यूं>। क्या किया सुनना बात यहां तक बहुत अच्छे गए अब इसके बाद सुनो मैं क्या करूँगा वेटेड एवरेज टाइम निकालूंगा इसको ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा वन से ये आ गए ये सेकेंड ईयर का कैश फ्लो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड से ये थर्ड ईयर का कैश फ्लो किससे से से ये फोर्थ से मल्टीप्लाई और ये फाइव से और ये आ गया और दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो ये क्या आ गया ये आ गया ड्यूरेशन और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के बड़े सारे डाउट आ रहे कि सर ड्यूरेशन है क्या प्लीज समझाओगे ड्यूरेशन क्या है अगर मैं कहूं कि ड्यूरेशन क्या है वो मैं, मैं समझा रहा हूँ समझा रहा हूं मुझे थोड़ा सा टाइम था और इस ड्यूरेशन को मैंने डिवाइड कर दिया 1.12 से मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया थ्री पॉइंट सिक्स जीरो ये लगभग इक्वल ही आएगा इक्वल ही आएगा कुछ फ्रैक्शन की वजह से गड़बड़ हुआ होगा बाकी ये और ये इक्वल ही आएगा और ये क्या है एक्चुअल मैं ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मीनिंग बताऊँ वही मीनिंग है बेटे जो इसका था इट मीन ये भी क्या बताना चाहता है ये भी यही बताना चाहता है अगर वाई टी एम बढ़ेगा एक परसेंट से तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा थ्री पॉइंट वन सिक्स परसेंट से या सिक्स जीरो सिक्स वन परसेंट से इफेक्टिव ड्यूरेशन वही बताना चाहता मॉडिफाइड ड्यूरेशन यही बताना चाहता हम पढ़ क्यों रहे पहले समझ लो कि ये बॉन्ड रिस्क हम क्यों पढ़ रहे एक्चुअली ना हम अनुमान लगाते हैं सुनो मेरी बात को बेटे हम ये पढ़ क्यों रहे लॉजिक पे जाओ कैलकुलेशन और डेरिवेशन पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं एग्जाम का टाइम है हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं सर ताकि यार देखो हम बॉन्ड खरीद लेंगे और अभी रेट कितना चल रहा है बारह परसेंट चल रहा है बहुत अच्छे खरीद लिया कितने में खरीद लिया आज मार्केट प्राइस कितना है एक हज़ार पर एक बात है ना यार एक बार सोचो तो कि इकोनॉमी क्या होने वाला है इकोनॉमी खराब होने वाला अगर हमको ऐसा लग रहा है यार इकोनॉमी जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में ना कम हो जाएगा वाई कम हो जाएगा फ्यूचर में अगर सर वाई फ्यूचर में कम हो जाएगा तो क्या बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा यस तो कितने रुपए से बढ़ेगा बस ये निकाल एक अनुमान लगा लो ना यार एक निकाल कर तो रख लो कि फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा कि बॉन्ड का प्राइस कम होगा क्योंकि आप मार्केट का तो अनुमान लगा सकते हैं और मार्केट का अनुमान लगाकर आप अपने बॉन्ड का वैल्यू देख लो कि क्या होने वाला है और उसके लिए दो तरीके है या तो आप इफेक्टिव ड्यूरेशन से काम करो या तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन से काम करो इफेक्टिव ड्यूरेशन में आपको ना एक्चुअल में ये वाई को चेंज करके देखना पड़ेगा क्या 0.5 परसेंट ऊपर कर दे 0.5 परसेंट नीचे कर दे और उसका एवरेज ले ले तो कितना आ गया 3.612 मतलब यार हम ये मानेंगे कि बॉन्ड का प्राइस मैंने चेंज चेंज किया ना तो YTM चेंज करने की वजह से बॉन्ड के प्राइस में चेंज हुआ ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज का चेंज हो जाता थ्री दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका कि आपको ये दिया ही नहीं रहेगा कि कितने परसेंट से चेंज करना है और बोलेगा कि आप बताओ कि बताओ कि मॉडिफाइड मतलब ये बताइए कि बॉन्ड अगर एक परसेंट से बढ़ता है या फिर ये पूछेगा कि बताओ बॉन्ड के सेंसिटिविटी बताओ तो फिर तो जब ये बोलेगा ही नहीं कि कितने परसेंट से से चेंज करना करना तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा ईयर कैश फ्लो यहां तक तो ठीक है और ईयर को वेटेड एवरेज करोगे और डिवाइड इससे करोगे और फिर इसको डिवाइड डिवाइडीएम से करोगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली ये भी वही कहना चाहता है यहां तक बात समझ में ओके अब सर ये बताओ ड्यूरेशन का मतलब क्या है ड्यूरेशन पे एक तो मैंने रेगुलर क्लास में डिटेल में समझाया एवरेज वेटिंग पीरियड वगैरह बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है दूसरी बात मैंने बात उस समय भी किया था एवरेज ड्यू डेट की और एवरेज ड्यू डेट कभी आपने सुना था yes, यस सीए इंटर में एवरेज ड्यू डेट पर तो भी ना बच्चों को मैं बोलता था यार एवरेज ड्यू डेट ही है ड्यूरेशन पर बच्चों को तो भी समझ में नहीं आ रहा था कि एवरेज ड्यू डेट क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ा है एक्चुअल में सी इंटर में तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि बॉन्ड ड्यूरेशन पर मैं ही एक लेक्चर दे दूं तो बात खत्म एक लेक्चर अपलोड कर देता हूं बॉन्ड ड्यूरेशन ताकि आपको समझ में आ जाए पर फिर भी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं। टोटल मिलाकर टोटल मैं मेरी बात समझने की कोशिश करना आ, मैंने ना पाँच साल के लिए बॉन्ड इशू किया ठीक पाँच साल के लिए पाँच साल के लिए मैंने किसी को किसी को लोन 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 समझते हो ना यस yes, ठीक है किसी से लोन लिया है पाँच साल के लिए तो उसको पैसे देना पड़ेगा पाँच साल तक मुझे पैसे देना है मुझे पैसे चुकाना है अब मैं सोच रहा हूँ पहले साल से चुकाना स्टार्ट करूँगा दो सौ रुपए दो सौ रुपये इंटरेस्ट दो सौ रुपये दो सौ रुपये दो सौ रुपये और लास्ट में एक साथ पेमेंट तो अब मेरे मन में ये है कि यार शुरू की कुछ पेमेंट रोक दे दो शुरू की कुछ पेमेंट अगर मैं रोक देता हूँ मैं पेमेंट नहीं देता हूँ तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा ज़्यादा हाँ सर अगर आप पहले साल इंटरेस्ट नहीं देते हो आप दूसरे साल भी पेमेंट नहीं करते तो आपको ब्याज ज़्यादा लगने लगेगा मैं शुरू की कुछ कुछ पेमेंट रोक देता हूँ डिले कर देता हूँ और जो लास्ट में जो पेमेंट जा रहा है उसको थोड़ा सा पहले खींच लेता हूँ ऐसा कुछ पड़ा था तो वो जो पीरियड है वो जो पीरियड है मान लो टोटल पीरियड है पाँच साल पर अगर मैं कुछ एक एवरेज पीरियड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आ रहा है चार साल एवरेज उसको बोला जाता है बॉन्ड ड्यूरेशन अभी इतने जल्दी समझाना मुश्किल है यार अब बहुत मुश्किल है यहाँ अभी समझाना या रेगुलर क्लास वालों को तो कोई दिक्कत नहीं तो सर क्या करें बेटे बस ऐसा कर लो बॉन्ड ड्यूरेशन इस तरह से निकाला जाता है बॉन्ड ड्यूरेशन लिख लो एवरेज ड्यू डेट ही और एवरेज ड्यू डेट क्यों पढ़ा ये आपको अगर किसी ने बताया होगा तो बस मेरा काम ही खत्म हो गया कि हमने एवरेज ड्यू डेट क्यों पढ़ा था बॉन्ड ड्यूरेशन और एवरेज ड्यू डेट एक ही है ठीक है ओके सर और बस जो इस वजह से आपने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा उसी वजह से आप बॉन्ड ड्यूरेशन भी पढ़ा फिर फिर भी शायद एक दो दिन में मैं आपको बॉन्ड ड्यूरेशन का लेक्चर ही डाल दूंगा तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है अल्टीमेटली बॉन्ड ड्यूरेशन से मुझे अभी मतलब नहीं मुझे मतलब है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला आप फॉर्मूला छोड़ो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या कहना चाहता है ठीक है सर आगे चले क्या ये फॉर्मूले से भी बन सकता है यस अगर देखा जाए तो ये कितना आया ड्यूरेशन फोर पॉइंट जीरो थ्री सेवन टू वन उसके बाद ये कहाँ काम आएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने के पर मैं आपसे बोल रहा हूं क्या आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं यस फॉर्मूला अजीब सा दिख रहा है पर आपको याद करना पड़ेगा डेरिवेशन अभी भी नहीं कर सकते हम करंट यवाइडेड बाई वाई टी एम इसको हम यील्ड रेशो बोलेंगे यील्ड यील्ड फिर पी वी एफ लेना वाई टी एम का फिर वन प्लस वाई टी एम प्लस यहाँ वन माइनस ये फिर से ले लेना और यहाँ पीरियड आ जाएगा ठीक है समझा रहा हूँ करेंट यी एम किस्मत से एक ही होगा तो ट्वेल्व बाई ट्वेल्व तो यहाँ वन आ जाएगा पी वी एफ आई टी एम का ये मालूम है वन प्लस वाई टी एम मतलब वन पॉइंट वन टू और यहाँ ट्वेल्व बाई ट्वेल्व फिर से हो जाएगा और पीरियड कितना पाँच साल है तो उसके हिसाब से यहाँ कितना जाएगा फोर पॉइंट जीरो थ्री सेवन थ्री और यहाँ भी कितना आया था पॉइंट फोर पॉइंट जीरो थ्री सेवन टू वन ठीक है इट मींस ड्यूरेशन निकालने के लिए या तो सर जी आप टेबल बना लीजिए या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए याद ही करना पड़ेगा डेरिवेशन आपके काम नहीं आएगा याद ही करना पड़ेगा तो याद कर लीजिए ज़्यादा अच्छा मुझे ये फॉर्मूला लग रहा है एक दो क्वेश्चन बनाओगे तो ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है ठीक है सर और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यस अब सुनना बेटे फेस वैल्यू है सौ फोर्टीन परसेंट पर एनम पेबल सेमी एनुअली पीरियड है ईयर है फोर फोर है तो यहाँ कितना आ जाएगा एट पीरियड्स आ जाएगा और बारह परसेंट है मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला बॉन्ड का प्राइस निकाल लेते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल सकते बॉन्ड का प्राइस निकाला तो सात रुपये इंटरेस्ट इन टू डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करेंगे सात परसेंट से नहीं छः परसेंट से आठ साल के लिए और ये निकाला तो ये क्या गया बॉन्ड का प्राइस बॉन्ड का प्राइस आएगा उसके बाद मुझे क्यों निकाला मैंने बॉन्ड क्योंकि मुझे क्या चाहिए करेंट यील्ड चाहिए वाई तो दिया करेंट कैसे निकाला जाता कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बॉन्ड तो मुझे करंट यील्ड चाहिए तो करंट यील्ड निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा प्राइस ऑफ बॉन्ड तो ये निकाला मैंने करंट यील्ड पर ये कितने मैंने किए सिक्स मंथ की तो मैंने बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड यील्ड मतलब करंट आया इक्व खैर मुझे तो सिक्स मंथ वाले से मतलब है अब मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं सिक्स पॉइंट फाइव वन सिक्स पॉइंट टू जीरो और यहां वन पॉइंट जीरो सिक्स ये क्या सिक्स पॉइंट फाइव वन करेंट य डिवाइडेड बाय सिक्स मेरा वाईटीएम है बारह माह बारह परसेंट है बारह माह का तो छः माह का छः परसेंट पी वी लिया हूँ कितने का पी लिया हूँ मैंने ये वाला लिया टिक सिक्स परसेंट आठ पीरियड का प्लस वन माइनस सिक्स यील्ड सो यहाँ यहाँ गलत है यहाँ एट होना चाहिए ठीक ओके okay, सर इसको सॉल्व किया अगर इसको सॉल्व किया तो ये आया अब बेटे अब बच्चों का टेंशन यहाँ आ गया ये नॉर्मल है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अब बच्चों का टेंशन यहाँ आ गया कि सर डिवाइडेड बाय टू क्यों किए तो मल्टीप्लाई टू होना चाहिए बेटे एक बात बताओ मैंने पीरियड दिया हूँ मैंने मान लो मैंने आठ पीरियड दिया हूँ छः छः माह के आठ पीरियड ईयर बताओ बोलूंगा तो डिवाइडेड बाई टू ही टू ही तो करोगे जैसे मैं अगर आपको आठ पीरियड दे देता और बोलता ईयर बताइए तो डिवाइड किससे करना पड़ता डिवाइड टू से ही तो करना पड़ता भाई छः छः माह के आठ पीरियड है और ईयर्स बताइए कितने तो फोर ईयर्स डिवाइडेड बाई टू तो ये भी एक पीरियड निकला है और मुझे ड्यूरेशन कभी भी ईयर्स में चाहिए होता है तो मैंने ईयर्स में निकाला तो ये आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन मेरा यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यहाँ एट के हिसाब से आप देख लीजिएगा और उसके बाद फिर मैंने वन प्लस वाई टेम किया तो यहाँ क्या आ गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन ठीक है तो मेरी बात अभी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है मेरा टारगेट है मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना और modified duration के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा ड्यूरेशन और ड्यूरेशन निकालने के दो तरीके हैं या या तो formula लगा। या तो लगाऊंगा फिर मैं मैं क्या करूंगा बनाऊंगा बस तो ये तरीके। ठीक है जी सर। सर एक कर ले? ये वाला क्वेश्चन बना अवेलेबल फॉर फेस वैल्यू एक हजार रेट है ग्यारह दिया एक हजार येल टू मैच्योरिटी पंद्रह परसेंट ठीक है ये टू मैच्योरिटी नहीं ये टू मैच्योर इस टू मैच्योरिटी ठीक है तीन डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वॉलेटिलिटी मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो सर सबसे पहले टेबल बना ले क्या यस करंट मार्केट प्राइस निकालना है ड्यूरेशन भी निकालना है और टेबल बनाना फॉर्मूला अब जैसे आपको करना आपकी मर्ज़ी में टेबल बना रहा हूँ सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ले लिया एक हज़ार का ग्यारह परसेंट कितना होता है एक सौ दस 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 और लास्ट में ग्यारह सौ दस वाई टी एम कितना है पंद्रह परसेंट से डिस्काउंट करूंगा तो ये पंद्रह परसेंट से मैंने डिस्काउंट कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया वन से इसको टू से इसको थ्री से तो ये आ गया और दिस डिवाइडेड बाय दिस ये क्या आ गया करंट मार्केट प्राइस और दिस डिवाइडेड दिस इज ये क्या आ गया ड्यूरेशन डन तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे फॉर्मूले से करोगे तो आपको करंट ये निकालना पड़ेगा बस इतनी सी बात है ठीक है यहां मैंने करंट तो आप आंसर उतना ही आएगा खैर हमने टेबल से बना लिया तो हमारा बात खत्म हो गया ठीक अब क्या करना मुझे मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन 4.157 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ गया 3.974 3.974 का मतलब चाहिए बस मतलब मीनिंग और मीनिंग यही हुआ मॉडिफाइड ड्यूरेशन या वॉलिटिलिटी कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा एक परसेंट से नहीं वाई बढ़ेगा एक परसेंट से तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा कितने परसेंट से थ्री तो पॉइंट नंबर वन टू थ्री कोई की दिक्कत की बात नहीं पॉइंट नंबर फोर अब निकालना एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीजेस इन रिक्वायर्ड यील्ड कितने सौ बेसिस पॉइंट मतलब एक परसेंट वो बोल रहा अगर बॉन्ड अगर वाई टी एम एक परसेंट से बढ़ता है तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा तो बताइए क्या होगा बॉन्ड का वैल्यू तो चलो कितने परसेंट से गिरेगा थ्री पॉइंट नाइन सेवन फोर परसेंट तो कैलकुलेटर उठाइए बॉन्ड का अभी मार्केट प्राइस कितना है एट फोर एट पॉइंट फाइव माइनस कर दीजिए थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन सेवन फोर परसेंट आंसर आ गया एट वन फोर कहा कुछ बच्चे और भी हद कर देते हैं वो बोलते हैं यार पंद्रह परसेंट था अब कितना हो गया चौदह परसेंट तो चलो चौदह परसेंट से आंसर निकालते आंसर तो यही आएगा आंसर तो एट वन फोर अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा पर नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो खुद ही ये निकाल ये क्यों निकाला ये इसलिए निकाला है ताकि आप जब पॉइंट नंबर फोर पूछो तो बिल्कुल इसके इसकी हेल्प से आप आंसर दे पाओ ठीक अगर मार्केट प्राइस डिक्रीज होता है अगर मार्केट में येल्ड डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा पचहत्तर बेसिस पॉइंट से तो थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेवन फोर इंटू पॉइंट सेवन फाइव पचहत्तर बेसिस पॉइंट बोल रहा है तो 2.9805 परसेंट से बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा देखिए क्या यस yes. 848.58 फोर्टी एट 2.9805 प्लस परसेंट 873.87. दैट्स इट ये क्वेश्चन करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ड्यूरेशन का मॉडिफाइड ड्यूरेशन का बड़ा वॉलिटिलिटी का बहुत जबरदस्त खेल है तो ये क्वेश्चन आप करके जाओगे ठीक है ओके सर सर अब बॉन्ड इम्यूनाइजेशन देख लेते यस yes. अब हम बात करेंगे बॉन्ड इम्यूनाइजेशन ठीक है हाँ जी बात होती है अब बॉन्ड इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता था कि यार कोई एक लाइबिलिटी है फिक्स लाइबिलिटी जिसका मुझे पेमेंट करना मान लो पाँच साल बाद अब पांच साल बाद जितना भी मुझे पेमेंट करना है पांच साल बाद मान लो मुझे दो लाख रुपए पेमेंट करना है तो एक काम करता हूं अभी से उस दो लाख रुपए क्योंकि मुझे पाँच साल बाद जरूरत पड़ने वाली है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अभी से मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख देता हूँ और सर कहाँ इन्वेस्ट करके रख सकते हो मैं किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ और एक बॉन्ड क्यों दो बॉन्ड दो बॉन्ड दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मैं अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखूँ और इस तरह से प्रपोर्सन प्रपोर्सन इस तरह से पैसा लगाऊँ दो बॉन्ड्स में दोनों बॉन्ड्स में ताकि पाँच साल बाद दो लाख रुपये हो जाए समझ रहे हो? मुझे वो प्रोपोर्सन पता करना है बस और कुछ नहीं एक फिक्स है जिसका मुझे पेमेंट करना है मैं ड्यूरेशन को यूज करके दो अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाऊंगा और फिर उसका पांच साल बाद फ्यूचर वैल्यू ऑटोमेटिक दो लाख हो जाएगा इस बात को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ हूं हालांकि वो एग्जाम्पल आपके उसका बुक का नहीं है प्रैक्टिस मैनुअल का नहीं है या स्टडी मटेरियल का नहीं है क्योंकि रिवीजन है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ काम काम के क्वेश्चन ले रहा हूं और ये एक क्वेश्चन ले बाकी आप एग्जांपल में देखोगे कॉन्सेप्ट हुआ लिखा मिस्टर ए विल कितने रुपए की जरूरत बोले एक लाख रुपए की जरूरत है आज से दो साल बाद ठीक है फॉर विच ही वॉन्ट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट ना और अभी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बॉन्ड एक्स ये है फेस वैल्यू एक हजार कोपन पेमेंट है सेवन परसेंट पेबल एनुअली इन टू मैचोरिटी है ईयर और करंट प्राइस है करंट करेंट ईलर्सेंट ऐसी बॉन्ड वाई की इन्फॉर्मेशन है एडवाइज मिस्टर है वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड आर ही शुड बाई बोथ द बॉन्ड्स एंड इफ सो इन विच क्वान्टिटी एज दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क आर डिफॉल्ट रिस्क हमने किया, किया था हमने इस क्वेश्चन में किया था पहले हमने बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन निकाला तो कितना ड्यूरेशन आया एक साल फिर बॉन्ड वाई का भी ड्यूरेशन निकाला तो बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन एक साल ही क्यों आया क्योंकि एक साल ही पीरियड है उसका एक साल में ही मैच्योर होने वाला है तो ये 972 आया 972 सेवनटी टू डिवाइडेड बाय नाइन करूंगा तो आंसर उतना ही आएगा तो इसका ड्यूरेशन कितना आ गया एक साल पर इसका डोरेशन बॉन्डवाय एक हजार का आठ परसेंट अस्सी रुपए अस्सी रुपए अस्सी रुपए और एक हजार अस्सी चौथे साल में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला रेट टेन परसेंट ठीक है ओके सर करंट यील्ड टेन परसेंट तो टेन परसेंट मैंने डिस्काउंटिंग किया और टेन परसेंट से डिस्काउंटिंग किया तो आंसर आ गया, गया ठीक है एक बात अच्छे से समझना अगर बॉन्ड रिडीमेबल हो रहा है रिडीमेबल हो रहा है एट पार यहाँ ना वाई टी एम सर दिया तो नहीं है आपने बट मैंने करेंट यील्ड को ही वाई टी एम एज्यूम कर लिया ओके okay, इसलिए मैंने यहाँ 10 परसेंट से डिस्काउंटिंग किया फिर इसको वन टू थ्री फोर किया तो आंसर आ गया ये और फिर ड्यूरेशन निकाला तो आ गया 3.562 पॉइंट ईयर इसका ड्यूरेशन कितना है एक साल इसका ड्यूरेशन कितना है दो साल और मुझे लायबिलिटी का पेमेंट कितने साल में करना इसका ड्यूरेशन है थ्री पॉइंट फाइव सिक्स टू ईयर्स और मुझे लायबिलिटी का पेमेंट कितने साल में करना है दो साल में तो ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स हम करते हैं हमें लायबिलिटी का पेमेंट करना है दो साल किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन है एक साल किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन है थ्री पॉइंट फाइव सिक्स टू ईयर्स तो दोनों का वेट कितना रखे कि टोटल कितना आ जाए दो साल यही मतलब था इसका वेट ऑफ एक्स यहां और वेट ऑफ वाई को वन माइनस वेट ऑफ एक्स ये तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी किया है जब इसको सॉल्व किया तो वेट ऑफ एक्स आ गया पॉइंट से मतलब सिक्सटी वन परसेंट मुझे किस में लगाना चाहिए एक्स में और वाई में लगाना चाहिए थर्टी नाइन परसेंट अगर मैं इतना इतना पैसा लगाऊँ तो दो साल बाद टोटल मिलाकर मेरे पास एक लाख रुपये जमा हो जाएगा सर एक लाख रुपये लगाना है कि उसका प्रेजेंट वैल्यू उसका प्रेजेंट वैल्यू दस परसेंट रेट है तो एक लाख का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो यह आया एट टू सिक्स फोर फाइव इसका सिक्सटी वन परसेंट बॉन्ड एक्स में लगाना इसका थर्टी नाइन परसेंट बॉन्ड वाई में लगाना ठीक है एक बॉन्ड कितने का एक बॉन्ड है नाइन सेवेंटी टू तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गया यहाँ एक बॉन्ड है नाइन थर्टी सिक्स तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गया बात खत्म यही पूछा था कि हमें एक बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए कि दोनों में, दोनों बॉन्ड्स बॉन्ड्स में में लगाना चाहिए और कितने कितने बॉन्ड्स कितनेस करना चाहिए मैंने वो भी निकाल दिस इज बॉन्ड इम्यूनाइजेशन ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते जैसे ये एक क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो पढ़ते अच्छे से द फॉलोइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर ज एम्स टू इम्यूनाइज द लाइब्रिटी इन सिक्स इयर भाई लाइब्रेटी कितने साल में छह साल में आपको पेमेंट्स करना है और आपके पास तीन टाइप्स के बॉन्ड्स है हमारे लिए काम की चीजें ड्यूरेशन ड्यूरेशन तीन टाइप्स के बॉन्ड्स सर वेट कैसे निकालेंगे अगर तीन टाइप्स है तो एक का वेट पक्का दिया रहेगा इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर विशेज टू इन्वेस्ट फिफ्टी परसेंट इन अरविंद मिल्स इसमें कितना परसेंट फिफ्टी परसेंट तो इसका और इसका परसेंटेज इस निकालिए ताकि टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाए सिक्स ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स टोटल कितना चाहिए मुझे छः साल में पेमेंट करना है इसका उसने दे दिया फिफ्टी परसेंट तो सर इन दोनों का मिलाकर कितना है फिफ्टी तो इसको ले लेते हैं वेट ऑफ बी तो इसको क्या जाएगा वन माइनस वेट ऑफ बी नहीं पॉइंट फाइव माइनस वेट ऑफ बी तो निकल जाएगा आराम से यस वेट ऑफ बी निकल गया और वेट ऑफ सी निकल गया और वेट ऑफ ए तो मालूम ही है पॉइंट फाइव ये भी क्वेश्चन कहाँ से उठाया था मैंने प्रैक्टिस में बॉन्ड इम्यूनाइजेशन है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सिंपल है बस हाँ ये बात है कि सर कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हो तो बिल्कुल सही रिवीजन चल रहा है और कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ आपने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है ठीक है जी तो चलो जी आगे चलें आगे बॉन्ड रिफंडिंग सर ये बॉन्ड रिफंडिंग क्या होता है बेटे कंपनी क्या करती है कंपनी एक कॉलेबल बॉन्ड्स होता है सर कॉलेबल पुटेबल ये भी पढ़ाया हूँ मैंने ऐसा नहीं है पर वो सब यहाँ नहीं लिखा क्योंकि भाई मुझे रिवीजन के हिसाब से काम करवाना तो ऐसे समझ लीजिए बेटे मान लो कंपनी ने बॉन्ड्स इश्यू किए और कितने परसेंट के हिसाब से पब्लिक में टेन परसेंट के हिसाब से बॉन्ड्स ईशू कर दिया ठीक है कंपनी को कितना देना दस परसेंट इंटरेस्ट देना बात खत्म हाँ, लेकिन एक बात एग्रीमेंट में लिख सकती है कंपनी कि डिबेंचर होल्डर होल्डर बॉन्ड्स जब भी हमारा मन करेगा हम अपने बॉन्ड्स वापस ले लेंगे और आपको पैसा रिफंड करेंगे दिस इज बॉन्ड रिफंडिंग और सर कंपनी का मन कब करेगा ऐसा मान लो दस परसेंट पर बॉन्ड्स इश्यू किए लेकिन मार्केट में फ्यूचर में रेट आठ परसेंट हो गया जबकि कंपनी को मार्केट से आठ परसेंट पे पैसा मिल सकता तो वो आपको दस क्यों दे उस कंडीशन में कंपनी चाहो तो अपने बॉन्ड्स होल्डर्स से को रिफंड कर सकता है पैसा रिफंड कर सकता है उनके बॉन्ड्स कैंसिल कर सकते दिस इज बॉन्ड्स रिफंडिंग पर ये डिसीजन इतना आसान नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नो डाउट आपका दो परसेंट का ब्याज बचेगा लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बॉन्ड्स जब रिफंड करोगे तो एट पार नहीं होगा आपको प्रीमियम पर पैसे वापस लौटाना होगा तभी बॉन्ड्स होल्डर तैयार होगी ठीक है तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा तो बस इसमें करना क्या होता है? था बॉन्ड्स रिफंडिंग में कुछ नहीं करना होता तो हम देखते थे हमारा फायदा कितना है और हमारे खर्चे कितने हैं एनपीवी निकाल लेते थे तो एक क्वेश्चन उठाया है देख लेते इसको लिखा मैसेज ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग कॉलिंग एस थ्री करोड़ ऑफ थर्टी थाउजेंड बॉन्ड इश्यू फाइव रेट ऑफ बोले कुछ बॉन्ड्स हमने पांच साल पहले इश्यू किया था एक हजार बॉन्ड्स मतलब तीन करोड़ रुपए के थाउजेंड रुपीज फेस वैल्यू मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड कितने के हैं? तीन करोड़ के फेस वैल्यू कितना है एक हजार तो तीस तीन करोड़ तीन सौ लाख डिवाइडेड बाई एक हज़ार ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे तीस हजार बॉन्ड्स ऑलरेडी इश्यू कर रखे थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था फोर्टीन परसेंट था ये कब इशू किया था आपने पाँच साल पहले ठीक है मीन्स पूरी लाइफ कितनी है तीस साल तो पाँच साल पहले तो अभी भी कितना साल बाकी है रिमेनिंग लाइफ रिमेनिंग लाइफ सर पच्चीस साल अभी भी बाकी है ठीक है तो क्वेश्चन में ये बात था कि 300 लाख रुपया का बॉन्ड्स इश्यू कर दिया था ठीक है सर बात समझ में आ गई फोर्टीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था पांच साल पहले द बॉन्ड्स वो कॉल प्राइस ग्यारह सो चालीस अगर आप बॉन्ड्स रिफंड करोगे तो एक हजार जिसका फेस वैल्यू एक हजार नहीं ग्यारह सो चालीस देना पड़ेगा मतलब तीस हजार बॉन्ड्स को ग्यारह चालीस के हिसाब से मतलब तीन करोड़ बयालीस लाख रुपए का खर्चा आएगा सर एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड्स होल्डर है उनको मुझे तीन करोड़ बयालीस लाख देना पड़ेगा अब कहोगे सर आप स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है इस क्वेश्चन में बेटे ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी डला हुआ है डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्शन में जा लीजिए एक घंटे का लेक्चर है अब मैं इस पर एक घंटे तो खराब नहीं कर सकता ना थोड़ा स्पीड से चलूंगा ठीक जो पहली बार देख रहा है उनको पक्का समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन मैंने ढंग से समझा रखा है मैं आपको लिंक शेयर करूंगा आप लिंक में जाओगे ठीक है सर बात समझ में आती है थोड़ा स्पीड से चलिए ठीक है जब हमने बॉन्ड्स इशू किया था तीन करोड़ के हमें तीन करोड़ नहीं मिला था हमें टू करोड़ नाइन्टी टू पॉइंट नाइन्टी वन करोड़ मिला था मतलब सर डिफरेंस कितना आ गया नौ लाख रुपए डिस्काउंट पर इशू हुए थे आज से पांच साल पहले जो बॉन्ड्स इशू हुए थे वो नौ लाख रुपए डिस्काउंट पर इश्यू हुए थे ठीक है थर्टी परसेंट डिस्काउंट वही हो गया ठीक है जी आगे इनिशियल फ्लोटिंग और जब हमने बॉन्ड्स इशू किया था फ्लोटिंग कॉस्ट कितना था तीन लाख साठ हजार अब कंपनी इंटेंड टू सेल सेल्स ट्वेल्व परसेंट कूपन रेट बताओ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फोर्टीन परसेंट कंपनी चाहती है कि तीन सौ तीन करोड़ रुपया उधार ले बारह परसेंट के हिसाब से और वो वापस कर दे बस एक से पैसे लेके दूसरे को दे देना दैट्स इट पर जो आपको इंटरेस्ट पहले 14 परसेंट देना था अब कितना परसेंट देना पड़ा है ट्वेल्व परसेंट देना पड़ा है और बॉन्ड्स की लाइफ कितनी है पच्चीस साल ठीक है ठीक सेल न्यू बॉन्ड और कितने में पार वैल्यू मतलब तीन करोड़ ही आएगा ठीक है पर फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है चार लाख रुपए द कंपनी इज पेइंग फोर्टी परसेंट टैक्स और आफ्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ डेट एट परसेंट ठीक है तो आपका डिस्काउंटिंग रेट ले लेंगे एज द न्यू बॉन्ड्स मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड एंड दे आर प्रोसीड टू रिटायर बॉन्ड दू मंथ पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट डिंग इंटरेस्ट मस्ट बी पैड ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यूल ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में पहले भी बता चुका हूँ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होल्डर है उनको पैसा देना है न्यू बॉन्ड्स का पैसा आएगा तभी तो इनको पेमेंट करोगे तो इन सब प्रोसेस में न्यू बॉन्ड्स इश्यू किया और तुरंत पेमेंट कर दिया ऐसा नहीं होता न्यू बॉन्ड्स इश्यू किया पैसा आएगा प्रोसेस होगा तो उस ये जो प्रोसेस में न्यू वालों को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओल्ड वाले को न्यू वालों को तो देना ही था ओल्ड वाले को पैसा वापस करना चाहिए था अभी पर नहीं कर पा रहे दो माह देर से तो वो दो माह का इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा न्यू वालों को तो वैसे भी इंटरेस्ट देना था अच्छा तो उसको बोला जाता है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बताइए बॉन्ड रिफंड करना चाहिए कि नहीं सीधी सी बात है फ़ायदा क्या है फायदा सिर्फ इंटरेस्ट का चलो तो अभी आज के दिन मेरे जेब से पैसा जाने वाला कितना पैसा जाने वाला और फ्यूचर में पैसा बचने वाला दिस एनपीवी निकालना पड़ेगा आज के दिन पैसा कितना जाएगा एक तो हम एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर को पैसा वापस करेंगे एक हज़ार की जगह ग्यारह सौ चालीस का पेमेंट होगा तो तीन करोड़ बयालीस लाख रुपए मेरे जेब से जाएगा पर आएगा भी तो न्यू बॉन्ड्स इश्यू करेंगे तो तीन सौ तीन करोड़ रुपए आ जाएगा ठीक है अब एक बात समझना एक बात बहुत अच्छे से समझना कि जो भी पुराने बॉन्ड जो भी एग्जिस्टिंग ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे बचे हुए हैं उन सब के उस सबको अभी के अभी राइट ऑफ करोगे और राइट ऑफ करोगे तो उसकी वजह से क्या बचेगा टैक्स सेविंग्स होगा मैं फिर से बोल रहा हूँ शायद आपने सुना नहीं एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो ओल्ड बॉन्ड क्या अभी आप डिस्पोज कर रहे हो खत्म कर रहे हो यस ओल्ड बॉन्ड्स को कैंसिल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है अभी के अभी आपको राइट right ऑफ करना पड़ेगा और कितने खर्चे थे नौ लाख और तीन लाख साठ हजार सर पांच साल का तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है हाँ ये बारह लाख साठ हजार खर्च तीस साल में राइट right ऑफ करना था पांच साल का हो चुका है तो पच्चीस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस अभी भी बचे हो गए ठीक है दस लाख पचास हजार और उस पर फोर्टी परसेंट टैक्स सेविंग्स होगा तो चार लाख बीस हजार रुपये टैक्स सेविंग्स होगा ठीक है यहाँ तक ओके okay. और एक बात बताओ ये जो ओल्ड बॉन्ड्स है इस पर आप एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रहे हो जो तीन करोड़ थे उनको दे रहे हो थ्री करोड़ फोर्टी टू लैक्स तो फोर्टी टू लैक्स जो एक्स्ट्रा दे रहे हो उस पर भी तो टैक्स सेविंग होगा यस टैक्स सेविंग ऑन प्रीमियम ऑनरेडमसन फोर्टी टू लैक का फोर्टी परसेंट ये भी ये पैसा जाएगा पर ये आएगा ये बचेगा ये बचेगा न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर रहे उस पर भी तो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी तो आपका पैसा जाएगा ठीक है सर वो सर इस पर भी तो टैक्स सेविंग्स होगा मेरी बात समझो इस पर टैक्स सेविंग्स होगा पर हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट पे जो टैक्स सेविंग है उसको एमोर्टाइज करेंगे आने वाले पच्चीस साल में और सर मतलब फ्रोटेशन कॉस्ट जो हो रहा पैसा तो अभी जा रहा तो उसको तो यहां लिख दिया लेकिन इस पर जो टैक्स सेविंग होगा वो आने वाले पच्चीस साल में होगा धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे सर और ओल्ड बॉन्ड्स का ओल्ड बॉन्ड्स का भी मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करता अगर आज रिफंड नहीं करता तो पर आज रिफंड कर दिया तो यही टैक्स सेविंग को कंसिडर कर लिया ओवरलैपिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा पुराने बॉन्ड्स पे सर न्यू बॉन्ड्स पे भी तो भाई न्यू बॉन्ड्स का तो हम वैसे भी कंसिडर कर रहे हैं ना जबरदस्ती जो दो माह का इंटरेस्ट जा रहा है वो ओल्ड बॉन्ड्स पे जा रहा है 14 परसेंट दो महीने का और आफ्टर टैक्स सेविंग लिया कि अभी के अभी टैक्स सेविंग तो ये आ आगे तो देखोगे तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना है उनतीस लाख बीस हजार कैश आउटफ्लो फायदा क्या सिर्फ इंटरेस्ट का फायदा है ओल्ड बॉन्ड्स अगर हम रखते तो हमको देना पड़ता कितना परसेंट चौदह परसेंट फोर्टीन परसेंट न्यू बॉन्ड्स रख रहे हैं तो कितना देना पड़ रहा है बारह परसेंट वही चीज़ यहाँ किया है अब हम क्या निकाल रहे हैं इनफ् इनफ्लो ओल्ड बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स यहाँ फोर्टीन परसेंट वन माइनस टैक्स तो ये आ गया यहाँ बारह परसेंट तो ये आ गया इक्कीस लाख साठ हज़ार अच्छा अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स रखते तो वो दस लाख पचास हज़ार बच्चा था ना वो पच्चीस साल में हर साल राइट ऑफ करते तो हर साल तो हर साल मेरा टैक्स सेविंग्स होता अगर मैं न्यू बॉन्ड्स इश्यू करता तो चार लाख डिवाइड हर साल टैक्स सेविंग्स होता तो इतना मेरा इंटरेस्ट जाता पर इतना टैक्स सेविंग्स भी होता तो ये ये तो न्यू बॉन्ड्स में मेरा इंटरेस्ट कम जा रहा है ओल्ड बॉन्ड्स में ज्यादा तो कितना एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट मेरा बच रहा है इतना और इतना इंटरेस्ट बच रहा है तो भाई डिस्काउंटिंग कितने परसेंट करोगे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 25 साल डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया रेट और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज कैश इनफ्लो दिस इज कैश आउटफ्लो ये आगे एन पी एन पी बी पॉजिटिव है तो क्या बॉन्ड्स को रिफंड कर देना चाहिए यस yes. स्पीड जरूरी है ठीक है इसको तो मैनेज करना और या फिर इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करना ठीक है जी ओके okay, सर और एक क्वेश्चन है दिस इज डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ऑफ बॉन्ड सर क्या होता है डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस ये क्वेश्चन से ही समझेंगे और क्या देखा एम पी लिमिटेड इश्यू न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड सर ये क्वेश्चन भी है क्या अपलोड यस yes. मेरा ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में चेक करो ये भी मिलेगा आपको एम पी लिमिटेड इशूड न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड्स ऑन जनवरी जनवरी दो हजार दस को बॉन्ड्स इश्यू किया था बॉन्ड्स एट बॉन्ड्स बेचा गया उस समय कब कितने में बेचा गया at par. मतलब एक हजार है। और कितना है मेच्योरिटी कूपन पेमेंट आर मेट से ऑन जून 30 और इकतीस दिसंबर ठीक है एज्यूम दैट यू परचेज एन परचेज एन आउटस्टैंडिंग एमपी लिमिटेड बॉन्ड ऑन फर्स्ट मार्च दो बेटे बॉन्ड्स का इश्यू था एक जनवरी 2010 लेकिन आप एक जनवरी 2010 की वैल्यू नहीं पता करना चाहते आप खरीद रहे हो बॉन्ड्स एक मार्च 2018 को खरीद रहे हो बॉन्ड्स एक मार्च 2018 जब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया बारह परसेंट ठीक है मांग क्या रहा है व्हाट वाज द वाई टी एम ऑफ एम पी लिमिटेड बॉन्ड्स एज ऑन एक जनवरी दो जब बॉन्ड्स इश्यू किया था वाई क्या था बेटी वाई टी एम का फॉर्मूला क्या है आई प्लस आरवी माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एम अब ये और ये अगर इश्यू हुआ एट पार रिडीमेबल एट पार है तो हजार हजार तो, तो कट गया ऑटोमेटिक तो फाइनली क्या करंट यील्ड का ही फॉर्मूला है यस yes. मेरी बात सम, समझने की कोशिश करना अगर कन्वेंशनल बॉन्ड है इश्यू हो रहा par, है एट पार तो और रिडीमेबल है एट पार तो करेंट ये वाई टी एम एक ही तो होगा ओके okay, सर है सर यहां तक बात समझ में तो इसमें कोई समस्या है क्या नहीं सर इसमें कोई टेंशन नहीं आंसर कितना टेन परसेंट वाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन कितना पैसा देना है टू कंप्लीट ऑफ दैट अमाउंट एंड हाउ मच शुड बी बीड इंटरेस्ट एंड हाउ मच वुड रिप्रेजेंट द बॉन्ड बेसिक वैल्यू आपको बताना इंटरेस्ट और बॉन्ड्स की बेसिक वैल्यू अब करना क्या है अब सुनना बेटे मुझे वैल्यू निकालना कब की वैल्यू निकालना फर्स्ट मार्च 2018 की और मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला इंटरेस्ट कब तक मिलने वाला 31 दिसंबर 2025 बिना चार्ट के तो नहीं होगा ठीक है सर ये मेरा फर्स्ट मार्च 2018 ठीक ओके इंटरेस्ट मुझे हर छः छ माह में मिलना है तो पहला इंटरेस्ट 30 छ फिर 31 बारह फिर ये 19, 20, 21, 22, तेईस चौबीस पच्चीस अब मुझे हर एक साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलने वाला है दो बार यहां से गिन ले यहां से गिनते एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इट मीन्स मुझे पंद्रह बार इंटरेस्ट मिलेगा तो बस पहले ये कर लेते यहां तक की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां तक यहां तक ठीक है तो 50 6 परसेंट पंद्रह टाइम्स और लास्ट में कितना मिलेगा हजार सिक्स परसेंट पंद्रह टाइम्स तो ना आ गया नौ सौ दो रुपए नब्बे पैसे कहां की वैल्यू आ गई नौ सौ दो रुपए नब्बे पैसे यहां की इन सब की मैंने प्रेजेंट वैल्यू ले लिया और ऑलरेडी मुझे पचास यहां भी मिलेगा तो ये पचास भी जोड़ लिया तो आ गया नाइन फिफ्टी टू पॉइंट नाइन जीरो इसको बोला जाता फुल प्राइस फुल प्राइस का मतलब समझ रहे हो यहां तक मुझे ये पचास भी मिल रहा है सर ये जो पचास रुपए मिल रहा है ये सब मिल रहा है और ये पचास भी मिल रहा है सर ये पचास पे आपका हक हाँ है क्या मुझे तो यहां की प्राइस निकालना ना बेटे यहां की प्राइस निकालूंगा ना मैं और डिस्काउंट करूंगा यहां तक ठीक ओके सर इट मीन सबसे पहले मैंने कहां तक की वैल्यू निकाला यहां तक की और अब इसकी इसकी ये जो निकाला इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मैं एक मार्च की ठीक और मैंने निकाला डिस्काउंटिंग कर दिया 1.06 पॉइंट परसेंट है तो 4 बाय सिक्स किया ठीक तो ये निकल गया कितना गया नौ सौ सोलह रुपए साठ पैसे ये वैल्यू कहां की आ गई यहां की आ गई नौ सौ सोलह रुपये साठ पैसे तो नौ सो सोलह रुपए साठ पैसे में देने को तैयार हूं सर ठीक है आप देने को तैयार हो नौ सो सोलह रुपए साठ पैसे तो आप किस किस चीज का पैसा दे रहे हो मेरी बात मैं सामने वाला पर्सन मुझसे ले रहा है ना नौ सौ साठ जिस भी पर्सन से मैं वॉट्स खरीद रहा हूं वो कहेगा साहब नौ सो सोलह रुपए साठ पैसे मालूम है इसमें दो महीने का इंटरेस्ट चूंकि मैंने दो माह तक होल्ड कर रखा था आपने कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सुना है ना हाँ तो ये कम इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट और इसमें से वो पूछ रहा बताओ इंटरेस्ट का वैल्यू बताओ और बॉन्ड की बेसिक वैल्यू बताओ तो दो महीने का इंटरेस्ट माइनस कर दो इसमें से बात खत्म ओके सर ये याद करो डिवेंचर में हम पढ़ते थे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वही चीज़ है तो दो महीने का इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट कितना है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन तो बॉन्ड्स की बेसिक वैल्यू कितनी आई एट नाइन पॉइंट नाइन थ्री और बॉन्ड की फुल वैल्यू कितनी है ठीक है? है इसी को हमने डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस करके कॉन्सेप्ट करवा रखा उसको देख लो क्या तो थैंक गॉड बॉन्ड्स वैल्यूएशन खत्म और कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड है ना सर बेटे वो तो इक्विटी वैल्यूएशन के साथ साथ होगा ना तो अगर देखा जाए पढ़ा क्या बॉन्ड्स वैल्यूएशन में एक तो हमने इंट्रेंसिक वैल्यू पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एक यील्ड यील्ड पढ़ा येंट यम उसके बाद बॉन्ड रिस्क पढ़ा जिसमें बॉन्ड ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन उसके बाद हमने बॉन्ड इम्यूनाइजेशन पढ़ा जो कि था ही नहीं कुछ और उसके बाद बॉन्ड रिफंडिंग पढ़ा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस पढ़ा ठीक है अब हम चलते हैं इक्विटी वैल्यूएशन पे ठीक है सर जी बच्चों अब बात करेंगे हम इक्विटी एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ इक्विटी शेयर्स इसका मतलब सर इसका मतलब यह है कि यार आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप पता लगाइए कि शेयर्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए दो तरीके होते हैं एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस की टेक्निकल तो सुनोगे ध्यान से हम लोग कभी भी ये आप एक बात बताओ कि अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो क्या हम कंपनी के विषय में कंपनी के विषय में डिटेल में सोचेंगे मेरी बात समझो शेयर्स खरीदना है तो क्या देखे तो एक तरीका है कि आप फंडामेंटल देखिए एक्चुअल में कंपनी की बैलेंस शीट देखिए बैलेंस शीट के अंदर देखिए कि कंपनी कमा कितना रही ईपीएस और फिर डिविडेंड देखिए और फिर डिविडेंड कितना फ्यूचर में मुझे मिलेगा उसके हिसाब से आप वैल्यू निकालिए उसका कंपैरिजन कीजिए करेंट मार्केट प्राइस से और डिसाइड कीजिए कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए एक ये तरीका जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में कुछ मत देखो जाइए ग्राफ देखिए चार्ट देखिए लाइन चार्ट बार चार्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, बहुत सारे हैं कैंडलिस्टिक चार्ट्स, वो देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि आगे ट्रेंड क्या होने वाला है और डाउ थ्योरी वगैरह इन सब का यूज करके आप डिसाइड कर लिए कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना मतलब सिर्फ ग्राफ देखकर पता लगा लीजिए लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन वाला अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हो तो वो सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से आप बैटिंग कर सकते हो शेयर खरीद बेच सकते हो अगर मैं कहूँ दो एनालिसिस देख रहा है आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल फंडामेंटल में आप फंड स्टडी द फंडामेंटल ऑफ कंपनी एंड कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक जबकि इसमें आप पास्ट प्राइस पैटर्न को देखकर आप डिसाइड करोगे कि बताइए शेयर्स को बाय करना चाहिए कब बाय करना चाहिए और कहाँ खरीदना बेचना चाहिए यहाँ आप 90% परसेंट लॉजिक के साथ काम कर सकते हो और 10% परसेंट साइकोलॉजिकल जबकि यहां 90 परसेंट साइकोलॉजिकल पर टेन परसेंट ही लॉजिक रहता है इट मींस क्या होने वाला बस यही सोचना है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल होता है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म बट ये मैं आपको समझा चुका हूँ लाइन चार्ट बार चार्ट के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं कर सकते हमारे लिए मेन मुद्दे की बात है फंडामेंटल एनालिसिस यही डिस्कशन करने वाले जैसे बॉन्ड्स में हम इंटरेंसिक वैल्यू निकाल रहे थे ना वैसे इसमें हम इंटरेंसिक वैल्यू निकालने वाले हैं अब वैल्यू निकालना है इक्विटी शेयर्स की तो एक तो है यार डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और एक है अकाउंटिंग बेस्ट वैल्यूएशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है क्या भाई मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मुझे उस शेयर से फ्यूचर में क्या मिलेगा डिविडेंड तो जो डिविडेंड मिलेगा अनुमान लगाना पड़ेगा जो डिविडेंड मिलेगा उसकी कौन सी वैल्यू निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और आज नहीं तो कल शेयर बेचोगे तो जो मार्केट प्राइस होगी आज से कुछ समय बाद उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर या पी जीरो बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटिंग करेंगे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न से अगर वैल्यू ज्यादा मार्केट प्राइस कम है तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे अंडर प्राइस खरीद लो भाई अगर वैल्यू कम है मार्केट प्राइस ज्यादा है तो यह महंगा है खरीदने की जरूरत नहीं है वही जो बॉन्ड्स में चल रहा था वही चीज यहां चलेगा कभी कभी ऐसा भी होता है मल्टी पॉइंट नंबर वन नहीं करवाया वो सिंपल था अब सुनो मल्टी पीरियड डिस्काउंटिंग मॉडल उसमें डिवेंड ये तब होता है जब ग्रोथ क्या है डिविडेंड का अमाउंट या ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता कुछ साल तक ग्रोथ पाँच परसेंट रहता है उसके कुछ साल बाद ग्रोथ रेट चेंज हो जाता है वहां चलता मल्टी पीरियड डिस्काउंटिंग मॉडल सपोज एक एग्जाम्पल के लिए डिविडेंड पर शेयर अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो पहले साल मिलेगा आठ रुपए डिविडेंट दूसरे साल मिलेगा तेरह रुपए तीसरे साल पंद्रह रुपए और थर्ड ईयर के एंड में एक सौ पैंतालीस रुपए का हम शेयर बेच देंगे डिस्काउंटिंग रेट है बारह परसेंट तो आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर दो तरीके प्रेजेंटेशन के पहला ये और दूसरा ये मतलब पहला एक लाइन में खत्म करो दूसरा टेबल में तो आठ तेरा पंद्रह और वन फोर्टी फाइव इनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर चलाना आता है आपको याद है ना मैंने कैसे सिखाया था बोले तो नहीं देखो इसको कैसे करते थे आठ डिवाइडेड बाय पॉइंट वन टू एम प्लस थर्टीन दो बार इक्वल टू एम प्लस फिफ्टीन एक दो तीन एम प्लस वन फोर्टी फाइव एक दो तीन चार एम प्लस एम आर सी और आंसर आपका आ जाएगा 131.39 और डिवाइडेड बाय 1.12 है यार एक दो एम प्लस पंद्रह एक दो तीन एम प्लस वन एक तीन ही है ना हाँ सुनो बेटे सुनो गलती कहाँ होती है भी इसमें जैसे मुझसे गलती हो गई इसको मैंने चार ले लिया ये भाई थर्ड ईयर के एंड में है ना ओके सर दूसरा क्या कर सकते हो वन टू थ्री और थर्ड ईयर के एंड में ये पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा दिस इज पी जीरो इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर और इसको कंपैरिजन किससे करोगे करंट मार्केट प्राइस और डिसाइड करोगे कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए इसके बाद अगर ग्रोथ ही नहीं है तो मतलब सर हर साल डिविडेंड एक जैसा मिलेगा परपेचुअल तो तो फिर तो मान के चलो कोई रिटेंशन नहीं है अगर कोई रिटेंशन नहीं है तो जितनी भी अर्निंग है सबके सब आप क्या दे रहे हो डिविडेंड दे रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं है डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर रेट ऑफ तो रिटर्न इन आंसर कितना जाएगा? 25. कि कितनी है इसमें सर मार्केट प्राइस शेयर खरीदे कि नहीं नहीं ओवर प्राइस भाई बहुत महंगा शेयर है ठीक ओके सर ठीक है जी सर क्वेश्चन बना ले क्या यस क्वेश्चन बना लेते हैं नो ग्रोथ हो गया कोई ग्रोथ वाला भी होगा वो छुटा हुआ बीच बीच में तो ग्रोथ वाला देख लेंगे सर एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जिसमें बात समझ में आ जाएगी ये क्वेश्चन लिया ये भी आपके प्रैक्टिस बना हुआ क्वेश्चन है इसमें ना मुझे इक्विटी वैल्यूएशन में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने कहा आईपीसीसी में वैसे भी आपको याद होगा बाकी तो क्लास में मैंने करवा रखा कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है वन थर्टी सेवन पॉइंट एट और रिटर्न ऑन इक्विटी है पंद्रह परसेंट मतलब सर इक्विटी पे हम इतना कमाए ई निकल जाएगा सर ई यस वन थर्टी सेवन पॉइंट एट जीरो इंटू पंद्रह परसेंट यह आ जाएगा मेरा ई पी अर्निंग पर शेयर ठीक है और कंपनी की पॉलिसी की रिटर्न करेंगे सिक्सटी परसेंट अगर रिटर्न करेंगे तो फोर्टी परसेंट डिविडेंट दोगे तो ये दे दिया फोर्टी मतलब ये आ गया डिविडेंट एट पॉइंट टू सिक्स फोर सर पहली बात ठीक है यहां तक ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना अठारह परसेंट फॉर्मूला परपेचुअल ग्रोथ मॉडल से मतलब हमें करना पड़ेगा डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी के दिया हुआ है जी कैसे निकालोगे जी का फॉर्मूला हुआ करता था याद करवाता था बी इन टू आर याद है ऐसा बी का मतलब क्या होता था रिटेंशन रेशियो आर का मतलब क्या होता था रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये आ गया ग्रोथ पर सर ये जो 8.268 पॉइंट टू सिक्स एट रुपीज आया डी वन है, है कि डी जीरो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मैं इसको डी वन मान रहा हूं जब तक मेरी बात समझ डी जीरो कब मानो या तो दिया रहेगा करेंट डिविडेंड पर शेयर मतलब डी जीरो तो लिखा रहेगा डिविडेंड पैट मतलब डी जीरो या तो लिखा रहेगा कंपनी पेज डिविडेंड मतलब डी जीरो अगर तीन के अलावा कुछ और है तो मैं डी वन ही मानूंगा और एजम्सन लिख दूंगा कि जो डिविडेंड दिया है वो मेरे हिसाब से डी वन है फिर से मैं बोल रहा हूँ तीन बातें अगर लिखा रहेगा करेंट डिविडेंड पर शेयर मतलब डी जीरो तो पैट मतलब डी जीरो कंपनी पेज डिविडेंड मतलब डी जीरो अलावा सबकी सब डी वन लिख दिया करेंगे तो बस डी वन डिवाइडेड बाई के मैनर्जी किया तो आंसर आ गया नाइनटी वन पॉइंट एट दिस इज इंट्रेंस इक्वेल अगला क्वेश्चन लेते अगला क्वेश्चन ये है आपके पास देखा ऑफ टेंशन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड इज करेंटली कोटेड प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा सेवन पॉइंट फाइव द रिटर्न अर्निंग पर शेयर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इज रुपीज थ्री परसेंट रिटर्न अर्निंग है तीन रुपए जो है मतलब कि है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मतलब निकल सकता है यस। तो कितना आ गया आठ रुपए ईपीएस आ गए आठ रुपए ईपीएस उसमें से तीन रुपए रिटर्न किया तो पांच रुपए क्या आ गया सर जी डिविडेंड आ गए ठीक है कंप्यूट द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही निकालना इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एनुअल ग्रोथ रेट बारह परसेंट आपको क्या निकालना के ही बेटे पी जीरो का फॉर्मूला क्या था डी वन डिवाइडेड बाय के ही माइनस जी अगर हमें ये पता है बिल्कुल पता है अगर हमें के ही भी पता है के ही नहीं ग्रोथ पता है ग्रोथ भी पता है अगर हमें पी भी पता है तो क्या के निकल सकता है यस yes.

60 में तो ये आ 20.33 ग्रोथ रेट अगर 13 है, तो आपको निकालना, with same cost of capital. निकालना, अब की बार तो फॉर्मूला डी वन डिवाइडेड बाई के जी मालूम है तो ये निकल जाएगा बच्चा क्वेश्चन है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अठारह परसेंट और ग्रोथ रेट है 15 परसेंट तो मार्केट प्राइस क्या होगा तो बस अठारह माइनस पंद्रह कर देंगे तो ये टाइम पास क्वेश्चन था क्वेश्चन में कुछ था नहीं ये चीजें बननी चाहिए ये तो यार इक्विटी वैल्यूशन वैसे भी इजी आपके लिए। सर क्वेश्चन क्या यस मतलब करेंट डिविडेंट डी जीरो साफ लिखा हुआ हो ऐसा भाई इतना साफ लिखे ना तो मजा जाए डी जीरो रेट दिया है मतलब के ई दिया है ग्रोथ दिया है, ग्रोथ दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ एवीसी ठीक है पी जीरो निकाल लेते हैं टू पॉइंट फाइव ग्रोथ है तो रुपीज थर्टी ये वाला पार्ट किया नहीं था ये फर्स्ट वाला पार्ट नहीं, ये है ये सेकेंड है सबके साथ ठीक है सर थर्टी आ गए फर्स्ट वाला पार्ट हो गया दूसरा क्या मांगा है इट्स स्टॉक ओवर वैल्यू बोल रहा है कि क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है इफ स्टॉक प्राइस इज थर्टी फाइव एक्चुअल प्राइस थर्टी फाइव आर दे रखा नाइन परसेंट और ईपीएस दे रखा टू पॉइंट टू फाइव शो डिटेल कैलकुलेशन अंडर द प्राइज मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल ये लो डिडेंट ग्रोथ तो सुना था अर्निंग ग्रोथ मॉडल बोला तो ठीक है अर्निंग को ग्रो कर देंगे क्या दिक्कत है सबसे पहले अर्निंग ग्रोथ मॉडल बस यहाँ D1 की जगह क्या ले लिया ई पी एस वन प्लस जी ईपीएस कितना दिया है ये वाला पार्ट कर रहा है 2.25 पॉइंट टू फाइव जी वही ले लिया और सर ये क्या चीज है ये सर केई मतलब 10.5 परसेंट लेना चाहिए ना आपको जब आप दो परसेंट यहां का उठा रहे तो 10.5 परसेंट भी यहां का उठाना चाहिए लेकिन बेटे R तो यहां दिया सर R और केई आर और के इक्वल मान के चल रहा हूँ सीधी सी बात है सर इस क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से काम चल रहा हूं सर ये तो गलत है ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा तो थर्टी टू पॉइंट सेवन नाइन ये किसके हिसाब से अर्निंग ग्रोथ मॉडल दूसरा प्राइज अर्निंग अप्रोच प्राइज अर्निंग तो, प्राइज अर्निंग तो पता ईपीएस कैसे आएगा वन डिवाइडेड बाई के वन डिवाइडेड बाय की वन डिवाइडेड बाय नाइन परसेंट तो ये आ गया यहाँ गया ट्वेंटी फाइव आप चाहे इस मॉडल से लो चाहे इस मॉडल से शेयर का प्राइस कितना है थर्टी फाइव तो शेयर क्या है ओवर वैल्यू है ओवर प्राइसड ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन एम्बिगियस क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कहाँ की प्रैक्टिस मैनुअल की ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन करते हैं यस yes. सी लिमिटेड अ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इज ए लिस्टेड कंपनी करेंट स्टॉक अर्निंग एंड डिविडेंट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी आर डिस्प्यूटेड बाई डिफरेंट एनालिस्ट अलग अलग लोग है और उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है अर्निंग एंड ग्रोथ को लेकर नहीं अर्निंग एंड ग्रोथ को लेकर ठीक है एक है मिस्टर राममूर्ति और इनको ऐसा लग रहा है ग्रोथ कितना है साढ़े सात परसेंट फॉरिवर पर पेज पर एक है मिस्टर एस प्रभु ये कह रहे कि पच्चीस परसेंट ग्रोथ होगा फॉर नेक्स्ट थ्री इयर्स और उसके बाद कितना हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा पांच परसेंट ठीक है करेंट डिविडेंड करंट डी जीरो है ग्यारह रुपए स्टॉक ऑफ कंपनी और करेंटली के ही दे रखा है फोर्टीन परसेंट यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईसी लिमिटेड शेयर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ मिस्टर मूर्ति के हिसाब से तो ये तो भाई साहब बोल रहे थे कि परपेचुअल अभी से ठीक है तो 11 ग्रोथ रेट है 1.075 ठीक है केई है 14 0.3 आ गया 181.92 पर भाई साहब ये एस प्रभु क्या बोल रहा है एस प्रभु बोल रहा है कि हर बार 25 25% से ग्रो होगा मतलब अभी कितना है जी 11 11 25 परशन, प्लस पच्चीस परसेंट थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव प्लस पच्चीस परसेंट सेवेंटीन पॉइंट वन प्लस पच्चीस परसेंट ये भी ठीक है बस तो इसको मैं फोर्टीन परसेंट डिस्काउंट कर, अब ये टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगा दो सौ पचास पॉइंट निकाला नहीं है जी कहीं मैंने गुड ये ऐसे निकलेगा ट्वेंटी वन पॉइंट इसके बाद ग्रोथ कितना हो जाएगा बोले पांच परसेंट जीरो माइनस पॉइंट जीरो ट्वेंटी फोर एट फोर फोर इन वन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो नाइन तो दो सौ पचास पॉइंट सिक्स फाइव ये थर्ड इमिन तो हाँ तो तो दो सौ आठ पॉइंट से राममूर्ति तो के हिसाब से, राम से एक किसके हिसाब से निकाला आपने एस प्रभु के हिसाब से अब बोल रहा ग्रोथ रेट निकालिए मान लो कि स्टॉक इज करेक्टली प्राइस मतलब एक सौ साठ रुपए ही आना चाहिए तो इधर लिखा मैंने एक सौ साठ और वो परपेचुअल ग्रोथ रेट मांगा परपेचुअल मतलब परपेचुअल वाला फॉर्मूला ग्यारह वन प्लस जी ये मालूम है जी निकालना है तो जी निकाल लिया मैंने जी कितना आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट ठीक है अच्छा क्वेश्चन था ये भाई सर आगे चले यस दिस इज पियूस लोनकर वाला क्वेश्चन लिखा पीयूष लोनकर एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड सर जी अभी प्रेजेंटली प्रेजेंटली मतलब सर प्रेजेंटली मुझे बताना पड़ेगा कि प्रेजेंटली का मतलब डी जीरो एक रुपए और शेयर का प्राइस कितना है बीस इफ दिस डिविडेंड ग्रो हो रहा है बारह परसेंट पर एन के हिसाब से फॉर एवर वाट इज द फर्म एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ठीक है निकालेंगे 1, 1 plus, आ गया पहला वाला में में कोई दिक्कत दिक्कत की बात नहीं थी दूसरे वाले में दिक्कत है वो बोल रहा है कि पार्ट वन के अलावा suppose that dividend जो है वो ग्रो होता है बीस परसेंट पर है ना पांच साल तक पांच साल तक बीस बीस परसेंट से बढ़ेगा और उसके बाद दस परसेंट फॉर एवर्स नाउ वॉट इज द फर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी मांग क्या रहा है केई मांग रहा है बेटे और ये मान के कि जो शेयर का प्राइस है वो बीस रुपए ही होगा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न मांग रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब केई मांग रहा है और सुनो सर केई तो निकाल लेंगे बेटे लेकिन केई पर पेचुअल ग्रोथ नहीं है पाँच साल तक बीस बीस परसेंट से बढ़ रहा है और उसके बाद परपेचुअल हो जाएगा दस परसेंट से तो आपको आपको एज्यूम करना पड़ेगा एज्यूम केई इज इक्वल टू दिस और फिर आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा जैसे आई आर आर निकालती है ना वैसे ही काम करना पड़ेगा वैसे ही मैंने काम करा कैलकुलेशन पहले मैंने लिखा सपोज रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना अठारह परसेंट सर अठारह परसेंट क्यों लिया सिर्फ लेने का कोई दस भी ले सकता था इसलिए लिया कि क्योंकि की ये कितना आया सेवनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट तो मैं मान के चलो इसी के आसपास होगा तो मैंने कितना ले लिया एटीन परसेंट ले लिया और एटीन परसेंट से मैं पी जीरो निकालने की कोशिश करूंगा जो कि आना चाहिए बीस रुपए अगर नहीं आए तो फिर मैं दूसरा रेट लूंगा। तो चलो पहले एक रुपए बीस परसेंट से बढ़ेगा तो ये आ गया मतलब क्या किया वन पॉइंट टू जीरो प्लस ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और उसके बाद ये कौन सा है फिफ्थ ईयर और पी फाइव भी निकालेंगे और K कितना लेना है अठारह परसेंट तो ये आ गया थर्टी और इन सबका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो ट्वेंटी पॉइंट टू वन आया जबकि कितना आना चाहिए बीस रुपये मतलब रेट अब अठारह परसेंट ही उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा रेट अब उससे मैंने ज़्यादा लिया अब की बार रेट अठारह परसेंट वाला काम हो गया ये आ गया बीस रुपये इक्कीस पैसे अब मैंने कहा रेट यार कितना लिया जाए तो रेट हमने अब लिया उन्नीस परसेंट नाइनटीन परसेंट और नाइनटीन परसेंट के हिसाब से फिर काम किया इट स ये कितने कितने परसेंट से बढ़ाया ये ऑलरेडी मेरा बीस बीस परसेंट से वैसे भी बढ़ना था बस यहाँ अठारह की जगह कितना ले लिया नाइनटीन ले लिया और इसको यहाँ के और फिर मैंने किया कैलकुलेशन वापस थर्टी फोर पॉइंट टू वन क्यों टू पॉइंट फोर एट एट इंटू वन पॉइंट वन जीरोड बाट जीरो नाइन थर्टी पॉइंट फोर वन लेना चाहिए था खैर आप देख लेना कैलकुलेशन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली वैल्यू लेना चाहिए था पी फाइव की ठीक है सर देख लेंगे हम लोग हाँ हंड्रेड परसेंट ये हिल तो लेना चाहिए गलत हुआ यहाँ देखिए थर्टी पॉइंट फोर वन कैलकुलेसन मिस्टेक है प्लीज़ चेक कर लोगे ओके okay. तो यहाँ आ गया 19.46 अब देख लेना कैलकुलेशन तो जब मैं 18 परसेंट पर ले रहा हूँ तो बीस रुपए इक्कीस पैसे जब मैं 19 परसेंट पर ले रहा हूँ तो 19.46 तो अब मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि मुझे आंसर कितना चाहिए मुझे चाहिए बीस रुपए तो जैसे ये एक परसेंट से बढ़ता तो ये कितने से कम हो जाता जीरो पॉइंट सेवन फाइव जबकि मुझे कम कितने से करवाना पॉइंट टू वन से तो निकाल लिया तो कितना का एटीन पॉइंट टू एट परसेंट दिस इज मेरा केज ठीक है अच्छा क्वेश्चन है ये आ, सर यहां यहाँ बेटे यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो इसकी वजह से यहां फर्क पड़ेगा थोड़ा वेरिएशन आएगा आप चेक कर लोगे तो ये क्वेश्चन अच्छा था पीयूष लुनकर वाला प्रैक्टिस मन में बड़े सारे डाउट्स आ रहे थे पर अभी सर आप डिटेल में इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा ठीक है ओके सर चले अगले क्वेश्चन यस चलो देखते क्या बोल रहा है मिस्टर इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर और एट रुपीज फाइव हंड्रेड चलो भाई मिस्टर शेयर खरीदना चाहता है पांच सौ रुपए और फेस वैल्यू कितना है सौ एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेस्ट ऑफ वन इंस टू फाइव हर पांच शेयर के लिए एक शेयर बोनस मिलेगा और सर जिसके पास एक ही शेयर है उसको मिलेगा पॉइंट टू शेयर बोनस मानना पड़ेगा ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा डिविडेंड कितना है ट्वेंटी परसेंट एक्सपेक्ट एनुअल एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड ट्वेंटी परसेंट फेस वैल्यू पे जाता है और यही डिविडेंड मेंटेन होगा अगर कैपिटल बढ़ेगा मतलब नए शेयर्स पे भी मिलेगा जो बोनस शेयर मिलेगा ना उस पर भी डिविडेंड ट्वेंटी परसेंट ही मिलेगा जब भी आपको बोनस शेयर मिलेगा डिविडेंड निकाल लेंगे ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ सातवें साल में हम शेयर्स बेच देंगे कितने रुपए में नौ सौ रुपए का एक शेयर Incidental expenses फॉर परचेस एंड सेल ऑफ shares, 5% परसेंट ऑफ द मार्केट प्राइस शेयर बेचने और खरीदने पे 5% परसेंट के खर्चा है और आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना बारह परसेंट बारह परसेंट से डिस्काउंटिंग करेंगे क्या हमें शेयर खरीद लेना चाहिए देखते हैं भाई शेयर कितना खरीदना चाहिए अगर हाँ तो बताइए मैक्सिमम प्राइस आप कितना पे कर सकते हैं मान के चलो कि डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं ठीक है भाई ईयर सात साल तक नंबर ऑफ शेयर एक था कितना रुपया था फेस वैल्यू बीस रुपए डिविडेंड फेस वैल्यू सौ रुपए तो बीस रुपए डिविडेंड मिलेगा तो बीस रुपए डिविडेंड मिला फिर एक था फिर एक था थर्ड चौथे साल में हमको शायद बोनस शेयर मिला होगा यस बोनस शेयर तो अब हमारे पास शेयर एक नहीं रह गया पॉइंट टू शेयर बोनस भी तो मिला तो वन पॉइंट टू जीरो शेयर्स हो गया और अब बोनस शेयर एक सौ फेस वैल्यू तो अब बोनस शेयर्स पे भी तो डिविडेंड मिलेगा तो अब हमको चौबीस रुपये डिविडेंड मिलेगा चौबीस रुपये चौबीस चौबीस रुपये और फिर हम चौबीस रुपये डिविडेंड मिलेगा इसके साथ ही सातवें साल में हम शेयर्स भी तो बेच देंगे कितने का एक शेयर्स बिकेगा नौ सौ रुपये का और हमारे पास शेयर्स कितने एक नहीं है वन पॉइंट टू शेयर्स तो वन पॉइंट टू शेयर्स बेचेंगे लेकिन हमको पाँच परसेंट खर्चा काट के 95 एक हजार छब्बीस रुपए मिलेगा ठीक और इनका प्रेजेंट वैल्यू 12% परसेंट के हिसाब से तो ये आ गया तो ये आ गया 563.98, ठीक है जी शेयर्स खरीदेंगे तो 500 सौ इंटू वन हमको 525 का पड़ेगा 525 रुपए का शेयर पड़ेगा पर हमें मिलेगा कितना 560 तो बोले हमें गेन कितना हो रहा 38.98 ठीक है ये गेन निकाला क्या हमें शेयर खरीद लेना चाहिए यस और आगे बोल रहा कि आप मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकते सर मैक्सिमम प्राइस हम दे सकते जितना हमको मिलेगा हम दे सकते हैं पांच सौ तिरसठ रुपए अंठानवे पैसे लेकिन सुनो पांच सौ तिरसठ दोगे तो खर्चे भी तो है आग, नो डाउट आपको इतना मिलने वाला आप इतना देने को तैयार लेकिन एक्सपेंसिस काटने के बता बात बोलो ना आप, आप कहोगे कि हम पांच सौ तिरसठ रुपए देंगे तो भैया पांच परसेंट खर्च भी तो लग जाएगा सर इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस हम इतना देंगे हाँ ये सही है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस हम इतना देने को तैयार है मैक्सिमम तो भाई एक्सपेंसेस हटा के बोलो ना कितना तो बस वही मैंने निकाला ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है तो उसमें से एक्सपेंसेस मैंने हटा दिया तो मैं कितना पे करने को तैयार हूं मैं पे करने को तैयार हूं एक शेयर पर फाइव थर्टी सेवन पॉइंट वन टू ठीक है ओके सर ठीक है सर आगे चले क्या यस ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लिखा सीवेल कॉरपोरेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डू इट योअर सेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर अर्निंग पर शेयर अर्निंग कितना है यूरोउजेंड थ्री ये अर्निंग दिया टू पॉइंट वन जीरो और डिविडेंड कितना दे रहे यूरो पॉइंट सिक्स नाइन ये दो हजार तीन की बात है जब आपने किया बोले अर्निंग ग्रो होगा पंद्रह परसेंट से दो हजार चार से दो हजार आठ तक और डिविडेंड पे आउट रेशियो रिमेन अनचेंज मतलब जितने परसेंट से अर्निंग बढ़ेगा उतने ही परसेंटेज से डिविडेंड भी बढ़ेगा पंद्रह परसेंट तो ये पंद्रह परसेंट कहाँ तक दो हज़ार आठ तक ये पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट तो ये भी पंद्रह 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 ये बढ़ा दिया आपने कितने सालों के एक दो तीन चार पाँच 2008 के बाद जो अर्निंग है वो छसेंट से ही बढ़ेगी चलो भाई ये छसेंट से ही बढ़ेगी 6 परसेंट से बढ़ा दिया पर पे आउट रेशियो पैंसठ परसेंट हो जाएगा अब ये भी 6 परसेंट से नहीं बढ़ाना है इसका पैंसठ परसेंट डिविडेंड आ जाएगा ठीक द फॉर्म हैज बीटा 1.40 करेंटली बोले बीटा है अभी 1.40 और बीटा 2008 के बाद कितना हो जाएगा 1.10 पॉइंट वन जीरो मार्केट एमआरपी दिया फाइव और आरएफ दिया सिक्स पॉइंट तो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड एट मतलब यहाँ का प्राइस मांगा तो प्राइस निकाल तो सकते हैं पी फाइव मांगा यहाँ का प्राइस मतलब पी फाइव तो डी सिक्स केई जी ठीक है डी सिक्स मालूम है हमको ये लिख दिया केई निकालना पड़ेगा और के दो के बाद वाला चाहिए तो आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम कितना और यहाँ बीटा कितना लेना पड़ेगा वन पॉइंट वन जीरो तो ये आ गया और इसके हिसाब से फिर हमने ग्रोथ रेट छः परसेंट हो जाएगा बोला ये तो ये आ गया ये कब का प्राइस है दो हज़ार आठ का यहाँ का और आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना इन टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मतलब वही दो स्टेज ये पहला स्टेज कौन सा हो गया ये अब हम सेकेंड स्टेज पर आ गए और फिर मैंने डिस्काउंटिंग का लेकिन अब के जो निकालना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा थर्टीन और इसके हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया वैल्यू well. तो निकाल लिया अच्छा क्वेश्चन था ये भी ठीक है आगे चले जी सर थोड़ा सा थक गए हो आप लोग भी बहुत टाइम से पढ़ पर क्या करें पढ़ना तो पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम बाकी है फटाफट फड़ से कर लेते जी सर चलो जी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सैम लिमिटेड है सर जस्ट पैट का मतलब ये हो गया साहब डी जीरो और डी जीरो कितना रुपए दिया है दो रुपए इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिक्स परसेंट पर एनम आफ्टर पेइंग डिविडेंड ठीक है दो परसेंट ग्रोथ द बोर्ड डिक्लेयर टेकअप प्रोजेक्ट बाय रिटर्निंग द नेक्स्ट थ्री एनुअल डिविडेंड बोले बोर्ड का ये प्रपोजल है कि आप एक बोर्ड का ये डिसीजन है कि प्रपोजल ले लेते प्रोजेक्ट ले लेते ले और डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं उसको रिटर्न कर लीजिए ठीक है और इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोजेक्ट ऑफ सेम रिस्क एज एग्जिस्टिंग मतलब के ही सेम लेना है आपको द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो ना आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो रिटर्न कर रहे हो तो जो प्रोजेक्ट से जो पैसा आएगा वो फोर्थ ईयर और उसके बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा आज से चार साल बाद और उसके बाद और फिर जो डिविडेंड है जो दो रुपए अभी आप क्या कर रहे हो अभी आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दो रुपए डिविडेंड दे रहा है लेकिन प्रोजेक्ट करोगे और फिर तीन साल बाद चौथे साल से डिविडेंड मिलेगा फिर दो रुपए नहीं मिलेगा ढाई रुपए मिलेगा और ग्रोथ जो पहले छह परसेंट हो रही थी वो आप कितने परसेंट होगी सात हो, हो जाएगी ठीक है इन्वेस्टर हैज थाउजेंड शेयर ऑफ सेम लिमिटेड वन टू रिसिप्ट ऑफ एटलीस्ट टू थाउजेंड पर एन एम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट भाई क्या बोला पता नहीं सो दट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाई डिसीजन ऑफ द बोर्ड आल्सो बोले मार्केट वैल्यू में अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा यह बताइए आल्सो शो एस टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसिप्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट थ्री ईयर इंप्रूव इनकम income आफ्टर गिव इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आठ परसेंट सर बोल क्या रहा है? सीधी सीधी ये क्वेश्चन पहले से करवाया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करवाया तो सर सब कुछ पता है हमको सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करते तो मार्केट वैल्यू क्या आता तो सर D1 ले लेते 2 1.06 सर फिर उस समय ग्रोथ रेट 6% ही रहता है रुपए ही रहता कही तो 8 परसेंट है तो आंसर कितना जाता 106 सौ पी जीरो आ जाता एक सौ छः अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करते अगर हम प्रोजेक्ट करते तो शुरू में तो डिविडेंड नहीं मिलता पहले साल डिविडेंड नहीं मिलता दूसरे साल नहीं मिलता तीसरे साल नहीं मिलता पर चौथे साल से हमें डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो रहा था दो रुपये पचास पैसे पर पेचुअल तो दो रुपये पचास पैसे आठ माइनस सात क्योंकि ग्रोथ रेट कितना हो जाता साठ परसेंट तो वैल्यू कितनी आ जाती है दो सौ पचास रुपये पर यहाँ की वैल्यू आती और उसको मुझे यहाँ की वैल्यू तक खींचना होता तो वन नाइन्टी एट पॉइंट फोर सिक्स क्या मार्केट वैल्यू में चेंज हो जाता है यस पहला मार्केट वैल्यू कितना था 106 अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करते तो पर प्रोजेक्ट कर रहा है इसकी वजह से मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है वन तो क्या वैल्यू बढ़ गई यस yes. 92.46 से वैल्यू बढ़ गई इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है पहले पॉइंट में शो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाई डिसीजन ऑफ द बोर्ड पहला पॉइंट तो कवर हो गया पर पॉइंट नंबर टू क्या बोलना चाहता है यह बात समझ में नहीं है पॉइंट नंबर टू कहता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास एक हजार शेयर्स थे बोर्ड कह रहा है कि डिविडेंड नहीं देंगे भाई साहब उसका एक हजार शेयर इंटू दो रुपया डिविडेंड उसका दो हजार रुपए तो बन ही रहा था मेरी बात समझने की कोशिश करो अगर ग्रोथ भी नहीं होता तो उस भाई साहब जिसके पास एक हजार शेयर्स थे एक शेयर पे दो रुपए उसका तो दो हजार रुपए बन ही रहा था कम से कम वो कहता कि ठीक है यार बोर्ड मत दो डिविडेंड लेकिन वो जो दो हजार रुपए मेरी कमाई हो रही थी मैं कहां से घर चलाऊंगा दो हजार रुपये कहां से लाऊंगा तो बोर्ड उसको समझा रहा है बोले सुनो थोड़े बहुत शेयर बेच दो पहले साल बेच देना दूसरे साल बेच देना तीसरे साल बेच देना हजार में से थोड़े शेयर्स कम हो जाएंगे लेकिन बचे हुए शेयर्स पर आपको जो कमाई होगी ना अगले तीन साल बाद वो बहुत सारी होगी तो बोले दो दो हजार रुपए आपको चाहिए घर चलाने के लिए बोले शेयर्स बेच के ले लो बोले ठीक है बोले कितने में बोले शेयर का प्राइस निकाल लीजिए तीसरे साल के एंड में शेयर का प्राइस कितना है दो सौ पचास तो सर दूसरे साल के एंड में डिस्काउंटिंग कर लो एक साल के लिए टू थर्टी वन और सर पहले साल के एंड में दो सौ चौदह रुपये तो पहले साल दो हज़ार की कमाई करने के लिए मुझे दो सौ चौदह रुपये का एक शेयर बेचना पड़ेगा तो टोटल ऑन एन एवरेज कितने शेयर्स चले जाएंगे दस शेयर्स मेरे पास से चले जाएंगे और मेरे पास दो हजार के आसपास पैसा आ जाएगा फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर रखा दूसरे साल भी शेयर बेचूंगा दो हज़ार रुपये चाहिए और कितने रुपए के टू थर्टी वन पॉइंट फोर एट के तो नौ शेयर्स बिक जाएगी पैसा दो हज़ार के आसपास आ जाएगा फ्रैक्शन आ रहा तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं कम से कम दो हजार चाहिए तो अपर साइड राउंड ऑफ कर रहा हूं आप समझदार हो सर तीसरे साल दो सौ पचास आठ शेयर्स बेच दो, दो हजार रुपये आ जाएगा तो इस हिसाब से एक हज़ार शेयर्स थे थर्ड ईयर के एंड में दस शेयर माइनस हुआ नौ शेयर आठ शेयर तो थर्ड ईयर के एंड में मेरे पास नाइन सेवनटी थ्री शेयर्स बचे नाइन सेवनटी थ्री और थर्ड ईयर के बाद से मुझे उस पर दो रुपया पचास पैसे डिविडेंड मिलेगा मतलब टू फोर थ्री टू डिविडेंड मिलेगा जबकि पहले कितना डिविडेंड मिल रहा था दो हजार तो क्या मेरी अर्निंग बढ़ गई यस मेरे अर्निंग इम्प्रूव हो गई बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस यही बात थी बाकी ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेंशन वाला था अजीब सा था ठीक है सर अच्छा क्वेश्चन था आगे चल रहे तो ये था कौन सा ये था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल खत्म हो गया अब अकाउंटिंग के हिसाब से आप शेयर की वैल्यू कैसे अकाउंटिंग क्या यह शेयर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये देखा जाए तो पढ़ते एक बार क्या लिखा फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर पी क्यू आर लिमिटेड फॉर द ईयर टू थाउजेंड एट डिबेंचर दिया आठ परसेंट दस परसेंट इक्विटी शेयर दिया रिजर्व ये दोनों मिलाकर आएगा इक्विटी शेयर का वैल्यू टोटल एसेट्स दिया एसेट टर्न ओवर इफेक्टिव इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आठ परसेंट इफेक्टिव टैक्स रेट ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब ये हो गया हमारा ए निकालने का काम आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशो करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स आपको क्या बनाना है इनकम स्टेटमेंट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना सेल्स से टर्नओवर से और टर्नओवर ओवर कहाँ से आएगा टोटल एसिड टर्नओवर दिया हुआ है टोटल एसिड दिया ये दिया तो टोटल एसिड टर्नओवर निकल जाएगा एसिड टर्नओवर ओवर रेशो का फॉर्मूला है टर्न ओवर डिवाइडेड बाई टोटल एसिड मैंने आपको बताया था एक बात हमें बचपन में रटवाया गया था कि जितने भी टर्न ओवर ऊपर हमेशा टर्न रहेगा सर सपोज डिटर टर्न ओवर रेशो तो क्या फॉर्मूला बना टर्न ओवर डिवाइडेड बाई एवरेज डिटर्स वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो टर्न ओवर डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल ठीक है सर तो यहाँ कितना आ जाएगा टर्न ओवर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया टर्न ओवर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है टर्न ओवर का टेन परसेंट लिखा हुआ है टर्न ओवर का टेन परसेंट तो इनकम स्टेटमेंट ये आ गई मेरी इनकम स्टेटमेंट सेल्स मालूम है ये मालूम है तो ये बैलेंस शीट का ले लिया इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट 125 का 8 परसेंट पचास का 10 परसेंट बिट्टे ये जो बॉन्ड्स हुए 2007 में इश्यू हुए पर 2007 में कौन सी डेट को इशू है ये हमको थोड़ी मालूम है तो इन दोनों का उसने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल कर दे दिया आठ परसेंट बोले सिर्फ आठ परसेंट ले लेना हमने मंथ मंथ का सब एडजस्टमेंट कर लिया तो ठीक है डेट कितने के 125 और पचास उसका आठ परसेंट तो कितना 14. आ गया है फोर्टीन ईबीटी आ गया उसमें टैक्स माइनस कर लिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स और जितना कमा रहा है उसका डिविडेंड कितना दे रहा है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट फाइव पॉइंट टू तो ये आ गया मेरा रिटेन अर्निंग ठीक है यहां तक दूसरा क्या मांगा ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बी इंटू B, सोचो अगर 16.67 जा रहा है तो तो ये आ गया कैसे निकलेगा आर का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तो इक्विटी वाले कितना कमा रहे ये कमा रहे सर इक्विटी वाले थर्टी वन पॉइंट टू जीरो इतना ही तो कमा रहा है इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स देने के बाद डिवाइडेड बाय कितने पे ये है टोटल कितने पे चार सौ पे यह है वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आर भी निकल जाएगा सेवन पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट तो क्या ग्रोथ रेट निकल सकता है यस निकला है पॉइंट एट थ्री थ्री जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट तो ये आगे ग्रोथ रेट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ये बी है और ये आर है वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे? डी वन डिवाइडेड बाय के माइनस जी डी वन निकला हुआ है कितना है 5.20 कहाँ गया भाई डी वन ये 5.20 तो ये निकला 5.20 के ही दिया है 15 परसेंट नहीं ये 0.52 ये डी जीरो इसमें ग्रोथ ऐड किया और यह है के और ये है जी तो यहां कितना आ गया सिक्स पॉइंट फाइव वन दिस इज वैल्यू ऑफ शेयर दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है चेक कर लो ये है पंद्रह परसेंट मार्केट प्राइस है चौदह रुपए जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू कितना आया इंट्रेंसिक वैल्यू सर कितना आया चेक करते हैं इंटरेंसिक वैल्यू आया सिक्स पॉइंट फाइव शेयर इज ओवर ट बी परचेस्ड ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है इस अटेम्प्ट या इससे पहले वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ अब ये कौन सा क्वेश्चन है सर ये बायबैक बैक वाला क्वेश्चन इसमें क्या जरा देखते हैं राहुल लिमिटेड के पास कैश है भाई सौ लाख

दस परसेंट सपोज बाईबैक प्राइस एक्स है तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा वन पॉइंट वन जीरो नंबर ऑफ शेयर अभी कितने हैं दस लाख और करंट ईपीएस कितना है तीन रुपए द प्राइस एटवीज द शेयर कैन बी रीपर्चे द तो प्राइज एटविज द शेयर कैन बी रीपर्चेड इसका मतलब आपसे बाईबैक प्राइस मांग रहा है ताकि मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बाई बैक कितना हो जाए 210 दस लाख मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है मार्केट कैप आफ्टर बाई बैक का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ आफ्टर आफ्टर और बायबैक प्राइस को हम क्या मान रहे हैं एक्स एक बात बताइए बायबैक करने से क्या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं कि कम हो जाते कम हो जाते तो यार मार्केट कैप होना चाहिए 210 लाख पहले से नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं दस लाख और आपके पास पैसा कितना है सत्ताईस लाख और एक शेयर कितने में बाई बैक करेंगे एक्स तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे कम इन टू एम पी एस आफ्टर बाई बैक कितना होगा एक्स से दस परसेंट ज़्यादा तो वन पॉइंट वन इस इक्वेशन को सॉल्व किया दो सौ दस है यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टी एक्स एक्स कट गए तो फाइनली कितना आ गया बाईबैक प्राइस आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट एट जीरो इट बाई बैक करेंगे ट्वेंटी एट जीरो में बायबैक करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाई बैक कितने बचेंगे ठीक है तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इतने शेयर्स आप बाईबैक कर रहे हो तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर पहले नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास

और अब ईपीएस निकालते हैं वापस तो ईपीएस पहले था तीन रुपए बिफोर बायबैक आफ्टर बायबैक कितना टोटल है तीस लाख पर नंबर ऑफ शेयर्स तो कम होगा तो ईपीएस कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर थ्री पहले ईपीएस था तीन रुपए अब ईपीएस थ्री पॉइंट फोर थ्री तो बोलो क्या ईपीएस बढ़ गया यस कितने से बढ़ गया पॉइंट फोर थ्री से बढ़ गया ये क्वेश्चन भी करके जाना है सर आपको किसी भी हालत में अब क्वेश्चन किसके अब क्वेश्चन है राइट शेयर्स राइट शेयर्स कहां पढ़ा था आपने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइट शेयर्स याद करो हाँ जी आई एफ आर एस की बात नहीं कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या पुराना जमाना याद है हाँ सर तो क्या आपको ई याद है हाँ ई पी एस ई वगैरह होता था एक्स राइट छोड़ो ना सर अभी की बात करो अभी तो पढ़ चुकी हो ना रिवीजन कर रहे हो यस सर ए बी सी लिमिटेड सर इसका कॉन्सेप्ट क्या बेसिक है <laughs> डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे अभी मैं काम की चीज़ पर ए बी सी लिमिटेड करंटली कितने रुपए के हिसाब से तेरह रुपए के हिसाब से शेयर बिक रहा है उटस्टैंड दस लाख शेयरिंग करी बीस लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है वैल्यू ऑफ राइट इफ फर्म ऑफर वन शेयर फॉर एवरी टू शेयर मतलब अभी कितने शेयर दस लाख तो हर दो के बदले में एक मतलब कितने शेयर इश्यू करना है हमको पांच लाख शेयर इश्यू करना है और पैसे की जरूरत कितने की है बीस लाख रुपए की तो बताओ एक शेयर कितने में इश्यू करेंगे हम चार रुपए के हिसाब से एक शेयर इश्यू कर देंगे तो एक्स राइट प्राइस एवरेज प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस निकल सकता है कि यस पहले से शेयर्स कितने हैं दस लाख मार्केट प्राइस कितना है तेरह रुपए नए शेयर राइट शेयर कितने इशू हो रहे हैं पांच लाख कितने रुपए के हिसाब से चार के हिसाब से और टोटल मिलाकर कितना है पंद्रह लाख तो एक्स राइट प्राइस कितना आ गया है दस मार्केट प्राइस क्या राइट right शेयर्स के बाद गिरेगा यस yes. तो पहले शेयर का प्राइस कितना था जब राइट शेयर इश्यू नहीं हुए थे तेरह रुपए अब कितना है? दस रुपए तो कितने का डिफरेंस आ रहा? तीन रुपए यही तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर है राइट से पहले का प्राइस राइट right के बाद का प्राइस उन दोनों का बीच का डिफरेंस किया जाएगा वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर दूसरा अगर हम चार के बदले में एक शेयर इश्यू करते तो तो सोचो कितने शेयर इश्यू करना पड़ता दो लाख पचास हजार दो लाख पर तो बीस लाख का अरेंजमेंट करना है दो लाख पचास हजार मतलब एक शेयर कितने रुपए के हिसाब से इश्यू होता है आठ रुपए के हिसाब से क्या वेटेड एवरेज प्राइस निकल जाएगा यस दस लाख इंटू तेरह ढाई लाख इंटू आठ तो एक्स बारह रुपए तो एक्स वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकल सकता है राइट से पहले का प्राइस तेरह राइट के बाद का प्राइस बारह तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कितना आ जाएगा एक रुपए पर शेयर प्राइ� ठीक आगे क्या बोला हाउ डज द शेयर होल्डर वेल्थ चेंज फ्रॉम वन टू टू हाउ डज राइट डू इनक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ वो बोल रहा है पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर और बताओ शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई चेंज नहीं होगा अगर राइट right शेयर दो के बदले में एक होता या राइट right शेयर चार के बदले में एक होता शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई चेंज होता कि नहीं होता तो एजेंशन लेना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास एक हजार शेयर ये बोला सपोज एक इन्वेस्टर के पास एक हजार नहीं सौ शेयर्स तो ठीक है भाई अगर हम हर दो शेयर के बदले में एक शेयर इश्यू करते तो उस हिसाब से सौ शेयर्स पहले से थे पचास शेयर्स और हो जाते तो टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हो जाते 150 शेयर्स हो जाते और राइट right के बाद राइट right के बाद शेयर का प्राइस कितना हो जाता दस तो एक सौ पचास हमारे पास शेयर्स हो जाते पंद्रह सौ रुपए के लेकिन कुछ पैसे भी तो देना पड़ा राइट शेयर खरीदने के खरी। लिए कितना रुपए देना पड़ा कितना रुपए देना पड़ा भाई चार रुपए है यस, चार देना पड़ा। तो पचास इंटू चार दो सौ रुपए खर्च हो गए उस हिसाब से हमारी वेल्थ कितनी हुई तेरह सौ रुपए होती लेकिन अगर चार के बदले में एक शेयर इश्यू करते तो सौ पहले से पच्चीस तो एक सौ पच्चीस शेयर हो जाते और राइट के बाद का प्राइस कितना हो जाता राइट के बाद का प्राइस हो जाता बारह रुपए तो बारह से मल्टीप्लाई करते तो पंद्रह सौ रुपये वेल्थ हो जाती पर पच्चीस शेयर्स हमने राइट शेयर खरीदा आठ रुपए के हिसाब से तो ये पैसे खर्च होते क्या वेल्थ में कोई चेंज होता वेल्थ में कोई चेंज नहीं होता तो बस ये चीज है राइट शेयर्स है राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट थियोरिटिकल राइट प्राइस वगैरह ये कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन वाले कॉन्सेप्ट हैं तो उतना टाइम नहीं है तो बस मैं आपको एक बार रिवीजन करते हुए चल रहा हूँ कि क्या क्या काम करते हैं चलो जी एक क्वेश्चन और उठाया मैंने राइट right शेयर्स का क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन लिखा प्रज्ञा लिमिटेड इश्यूट कितना शेयर्स पचहत्तर हजार शेयर ऑफ रुपीज टेन इश करंट मार्केट प्राइस कितना है चौबीस कंपनी ने इश्यू करना चाहते हैं राइट शेयर वन न्यू इक्विटी शेयर एट ए प्राइस सोलह हर चार के बदले में एक शेयर इश्यू करना चाहते हैं के हिसाब से थियोरिटिकल पोस्ट राइस प्राइस निकालना है चाहे तो टोटल में भी निकाल सकते हो या सीधा सीधे निकाल रहा इंटू चौबीस वेटेड एवरेज सोलह इंटून बाई पाइस रुपए पर शेयर निकाल लीजिए तो वैल्यू ऑफ राइट पहले शेयर का प्राइस कितना था चौबीस अभी कितना बचा बा पैसे तो बताओ डिफरेंस कितना है एक रुपए साठ पैसे दिस इज वैल्यू पर वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर आया ठीक तीसरा शो द इफेक्ट ऑफ राइट इश्यू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर ओनर हु हैज थाउजेंड शेयर्स एज्यूमिंग ही सेल द इंटर उन्होंने राइट right ही बेच दिया तो वेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई पहले से शेयर्स कितने थे पर्सन के पास पहले से शेयर्स थे एक हजार और पहले प्राइस कितना था चौबीस तो पहले उसके पास चौबीस जेब में थे चौबीस थे राइट के बाद उसके पास एक हज़ार शेयर सीए पर बाईस रुपये चालीस पैसे कीमत हो गई तो बावीस हज़ार चार सौ रुपये लेकिन उसके पास राइट था तो एक हज़ार इंटू वन पॉइंट सिक्स के हिसाब से बेच दिया तो सोलह सौ रुपये उसके पास आ भी गए तो उसकी वेल्थ टोटल मिलाकर कितनी हो गई चौबीस हज़ार हो गई हाँ अगर वो भाई साहब इग्नोर कर देता कोई एक्शन ही नहीं लेता तो उसकी वेल्थ बावीस हज़ार चार सौ ही बचती तो उसको सोलह सौ रुपये का लॉस हो जाता दोनों क्वेश्चन कहां से उठाया ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से लिया है ठीक है जी। आगे चले सर यस दिस इज कन्वर्जन ऑफ पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा कहलाता मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा उठाया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और ये वीडियो ये भी वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको डिटेल में मिलेगा पढ़ लेते क्या क्या बोला फॉलो डेटा इज रिलेटेड टू एट पॉइंट फाइव परसेंट फुली कन्वर्टिबल बॉन्ड इन टू इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जिनको आप शेयर या बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एट पॉइंट फाइव परसेंट और फेस वैल्यू कितना एक हजार मार्केट प्राइस कितना है नौ सौ नौ सौ रुपए मार्केट प्राइस नौ सौ रुपए फेस वैल्यू एक हजार कन्वर्जन रेशो थर्टी इसका मतलब एक बॉन्ड के बदले में आपको तीस शेयर मिल सकते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है सात सौ रुपए इसका मतलब अगर हम बॉन्ड रखते हैं अपने पास और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू वो कितना रुपए सात सौ रुपए इसको आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना चल रहा है पच्चीस रुपए और डिविडेंड कितना मिलने की उम्मीद है एक रुपए चलो भाई क्या क्या मांग रहा है जरा देखते हैं कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इसका मतलब हम एक डिबेंचर देंगे तो बदले में हमको शेयर्स मिलेंगे कितने शेयर्स मिलेंगे सर तीस शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर की कीमत आज कितनी है पच्चीस रुपए तो उस डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू कितनी है कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन रेशियो इनटू मार्केट प्राइस सात सौ पचास रुपए कन्वर्जन वैल्यू सीधी सी बात है कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है डिबेंचर को अगर मैं शेयर्स में कन्वर्ट करूं, तो तीस शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर कितने का है पच्चीस का तो कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो गई सात सौ पचास रुपए आगे लिखा मार्केट कन्वर्जन प्राइस एक बात बताऊं। बॉन्ड कितने का नौ सौ रुपए का आप नौ सौ रुपए दे रहे हो कन्वर्ट का, और 30 शेयर्स ले रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक एक शेयर पर कितना कितना पैसा दे रहे हो कायदे से सीधी सीधी बात है मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? छोड़ दो आप एक्चुअल में कितना दे रहे रहे हो 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 अगर आप कन्वर्ट कन्वर्ट कराते बॉन्ड्स को में करा रहे है, तो आप एक नौ सौ रुपया बॉन्ड का प्राइस और आप तीस शेयर ले रहे हो तो एक शेयर पे आप देखा जाए तो कितना रुपया दे रहे हो तीस रुपया पे कर रहे हो दिस इज मार्केट कन्वर्जन प्राइस पर शेयर है ये पर शेयर ठीक है सर कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर पाँच रुपये पच्चीस रुपये का है शेयर आप बॉन्ड खरीद के कन्वर्ट करा दो तो आप तीस रुपये जा रहा है, क्या है? तो बोले प्रीमियम कितना जा रहा है सर पाँच रुपये जा रहा है सीधी सी बात है रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम कन्वर्जन प्रीमियम का रेशियो परसेंटेज में बताइए परसेंटेज में बता देते हैं पाँच रुपये डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है पच्चीस तो कितना आए बीस परसेंट बीस परसेंट एक्स्ट्रा दे रहे आप 25 की जगह कितना दे रहा हूँ? 30 तो 20 परसेंट एक्स्ट्रा ही तो हुआ तो ए बी सी डी प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर स्ट्रेट वैल्यू कितना है सात सौ रुपये जबकि मार्केट प्राइस कितना है नौ सौ रुपए तो क्या डिबेंचर प्रीमियम पर है हाँ कितने रुपए प्रीमियम पर है दो सौ पर परसेंटेज में बताओ डिवाइडेड बाय सात सौ दो सौ माइनस तो 900 700 डिवाइडेड बाय 700 100 तो ये आ गए परसेंट ठीक फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर बेटे बस ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा ठीक है बड़े सारे क्वेश्चंस करवाए हूं मैं रिवीजन में बस ये क्वेश्चन रिवीजन कर लो बात खत्म साहब एक काम करो आप अगर बॉन्ड्स खरीदते हो डिबेंचर है आपके पास यस ठीक है मेरे पास डिबेंचर है अगर हम डिबेंचर खरीदते तो इनकम कितना एक हज़ार है फेस वैल्यू उस पर साढ़े आठ परसेंट मतलब पचासी रुपये हमको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है एटी फाइव ठीक है एटी फाइव रुपीज़ इंटरेस्ट की इनकम है अगर उस डिबेंचर के को बराबर देखो तो तीस शेयर होते हैं तो उसके हिसाब से एक शेयर पर कितने की कमाई है उस हिसाब से देखा जाए तो एक शेयर पे 2.833 पर शेयर की कमाई मेरी बात समझने की कोशिश करना मैं डिबेंचर खरीद के इंटरेस्ट कमाऊं और इंटरेस्ट की कमाई मेरी कितने की हो रही है 85 फाइव और वो बॉन्ड वो डिबेंचर मेरे तीस शेयर के बराबर उस हिसाब से एक शेयर की कमाई कितनी है 2.833 पर शेयर अगर मैं क्या खरीदता हूं बॉन्ड और अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो एक की कमाई है उस हिसाब से मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है सर आपकी एक्स्ट्रा इनकम है 1.833 पर शेयर देखा जाए तो डिबेंचर खरीदने से फायदा है और कितने का फायदा एक शेयर में कमाई के हिसाब से 1.83 पॉइंट तो एट वही बोला फेवरेबल इनकम फेवरेबल इनकम है पर शेयर फेवरेबल इनकम पर एक बात है ना सर आपने एक शेयर की कमाई तो ले लिया कि भाई शेयर लेकिन डिबेंचर और शेयर खरीदने में अंतर है अगर आप डिबेंचर खरीदते हो और आप कह रहे हो कि वो तीस शेयर के बराबर मतलब एक शेयर आप के हिसाब से तीस रुपए का हुआ जबकि एक्चुअल में शेयर खरीदता हूं तो पच्चीस का है तो साहब आप ज्यादा भी तो पैसे दे रहे हो नो डाउट आपकी कमाई है टू पॉइंट एट थ्री थ्री और इसकी कमाई है वन रुपीज नो डाउट आप ज्यादा कमा रहे हो पर पांच रुपए ज्यादा भी तो दे रहे हो तो ठीक है ना ये रिकवर कितने साल में हो जाएगा प्रीमियम पे पीरियड आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो पांच और एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही वन पॉइंट एट थ्री थ्री तो आपका ये जो है टू पॉइंट सेवन टू सेवन ईयर्स में रिकवर हो भी तो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या था ये सर एक्चुअल में है क्या जो कर रहा है बट कुछ था नहीं ये कन्वर्टेबल बॉन्ड इसमें हमको एक्चुअल में ये डिसाइड करना होता था कि बॉन्ड्स को हमें शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर वो तो एक साइड रहा आईसीएआई ने कुछ और ही डिमांड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने ये बेकार के छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखा पूछा है और वो मैंने करवाया भी बड़े सारे क्वेश्चन करवाया ठीक है पर उन सब में ये क्वेश्चन कर लोगे बहुत है ठीक है सर आगे कि सर यस अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो क्या वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी खत्म हो गया यस yes, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करवा दिया हूं मैंने एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस भी बड़ी स्पीड से करवाया क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस इतना लंबा चैप्टर नहीं होना चाहिए था पोर्टफोलियो बड़ा हो सकता पर पोर्टफोलियो से ज़्यादा टाइम इसमें लग गया और लगा नहीं था हर चीज़ में कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि अगर आपको आपको शेयर्स ख़रीदने तो दो है एक फंडामेंटल और टेक्निकल ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ फंडामेंटल में हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते हैं प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं और इसमें हम पास्ट प्राइस को देखकर पैटर्न पता करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब बाई करना कब सेल करना 90 परसेंट यहाँ लॉजिकल चलता 10 परसेंट साइकोलॉजिकल और ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूँ ये किसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए किसके लिए शॉर्ट टर्म के, के लिए मैं पहले भी बात कर दिया हूँ टेक्निकल चार्ट्स में दो चार्ट इम्पॉर्टेंट एक लाइन चार्ट और एक बार चार्ट लाइन चार्ट इस तरह से है या प्राइस है यहाँ प्राइस होता है और उसको देख के आप लाइन खींच देते हो लाइन चार्ट बाकी मैंने डिटेल और बार चार्ट में क्या होता है एक बार बनाते हो यहाँ हाइएस्ट हाँ, प्राइज़ उस दिन का लोएस्ट प्राइस उस दिन का क्लोजिंग प्राइस उस दिन का ओपनिंग प्राइस ये सब कुछ लिखते हो मतलब बार चार्ट में ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी होती है लाइन चार्ट में उतनी डिटेल्स में जानकारी नहीं होती बस यहाँ क्लोजिंग प्राइस को लिखते और प्लॉट कर देते लाइन खींच देते ठीक है और भी बहुत सारे टेक्निकल टूल्स हैं जैसे आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डाउ थ्योरी है ये सब थ्योरिटिकल है जो मैंने आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा यहां मैं कवर नहीं करवा सकता ठीक है हा इस पे क्वेश्चन जरूर मैंने करवाया होगा यस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एवरेज का मतलब हम ये मानते हैं जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में भी होगा डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है मैंने पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज से हमें पता लग जाता है कि कब शेयर खरीदना कब बेचना है सर डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है कि यस पर यहां कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तो लिखा है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बी सेंसेक्स छः तारीख से सत्रह तारीख तक का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ और सेंसेक्स का वैल्यू दिया है ये पॉइंट ये पॉइंट यहाँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं और यहाँ और ये वाला पॉइंट कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स डूरिंग अबो पीरियड द दर्टी डेज सिंपल मूविंग एवरेज कैन बी एज्यूम पंद्रह हज़ार और एक्सपोनेंट थर्टी डेज का देखा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू सर क्या कहना क्या चाहता है बेटे समझा रहा हूँ क्या कहना चाहता है हमारा ये मानना है कि हम आज के दिन एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकाल के हम ये सोचेंगे कि यही वैल्यू कल होगा पर कल कुछ और हुआ तो फिर परसों के लिए हमको कुछ वैल्यू को ठीक करना पड़ेगा कर एवरेज हमारा ये मानना था पंद्रह हजार रुपए बात को समझना पंद्रह हजार रुपये मतलब मतलब हम ये मान रहे थे कि छह तारीख को सेंसेक्स की वैल्यू पंद्रह हजार होगा एवरेज निकला हुआ पर किस्मत से छ तारीख को कितना हुआ चौदह हजार पांच सौ बाईस ही हुआ क्या हमारा एस्टिमेशन गलत हो गया यस। क्या वैल्यू कम हो गई हाँ तो भाई अब मुझे इस को एडजस्ट तो करना पड़ेगा हाँ और मुझे वो जो डिफरेंस है वो पंद्रह हजार में से माइनस करना पड़ेगा बात बस मैं ये कह रहा हूँ कि चलो भाई कल क्या होगा सात को क्या होगा चलो अनुमान लगाते हैं छह से पहले मुझे क्या लग रहा था कि पंद्रह हजार होगा पर हो कितना गया डिफरेंस उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा समझा रहा हूं छह तारीख अब मैं सोच रहा हूं सात को क्या होगा तो सात को होगा पंद्रह हजार तो होगा पंद्रह हजार हमारा क्या माना था पंद्रह हजार पर डिफरेंस आया था हमने सोचा था पंद्रह हज़ार पर हो कितना गया चौदह हज़ार पाँच सौ बाईस तो भाई ये पंद्रह हज़ार में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू पहले था पंद्रह हज़ार मानना हमारा मानना था पंद्रह हज़ार होगा पर वैल्यू कम हो गया तो उस पंद्रह हज़ार में से माइनस करना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी और हमने माइनस कर दिया पर माइनस पूरा की पूरा नहीं करना सिर्फ़ एक ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये मानना है कि छः तारीख को ये मानना कि सात तारीख को ये वैल्यू हो जाना चाहिए चौदह हजार नौ सौ सत्तर रुपये ठीक मतलब सर फॉर्मूला है बेटे हाँ पिछला ई एम आई और जो डिफरेंस है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से तो ये छठवें दिन का ई एम आई आ जाएगा छठवें दिन का ई एम आई का मतलब सातवें दिन ये होना चाहिए पर सातवें दिन क्या हो गया चौदह हजार नौ सौ पच्चीस ओहो मतलब क्या ये गलत एस्टिमेशन हो गया यस तो ठीक करेंगे चौदह हजार नौ सौ सत्तर फिर कम करेंगे तो यह आ गया चौदह हजार नौ सौ सड़सठ होना चाहिए फिर आ गया पंद्रह हज़ार दो सौ बाईस तो फिर इसको ठीक करेंगे पंद्रह अब ये बढ़ जाएगा और बढ़ के कितना होगा चौदह हजार नौ सौ तिरासी इस तरह से क्या निकाला जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों निकाला जाता है कैसे निकाला जाता तो सर जी आप अपना टाइम निकालिए अगर आपके पास टाइम हो तो जिन्होंने एक्सपोनेंशियल मूविंग मूविंग एवरेज ही नहीं पढ़ा है तो उसको तो समझ में आने से रहा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है या मेरी क्लास खरीदो ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ आप टाइम निकाल के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां प्यार से लिखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एक्सपोनशियल और यही क्वेश्चन है मैं शर्त लेके बोल रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि मैं जो बोलना चाहता ठीक है ओके okay. सर खत्म अगर देखा जाए तो खत्म हो गया एक छोटा सा टॉपिक ये था बूट स्ट्रैपिंग फॉरवर्ड टर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता था? होता था, था बेटे ये कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था एक्चुअल में बूट स्ट्रैपिंग समझो ना इतना में नाइनटी वन ये इंटरेस्ट का रेट है अब एक बात बताओ आज की प्राइस कितनी नाइनटी वन फाइव हंड्रेड एक साल बाद कितना हो जाएगा एक लाख रुपए मुझे मिल जाएगा जीरो हो नाइन्टी वन फाइव हंड्रेड लगाएंगे एक लाख रुपए मिलेगा नो डाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं मिल रहा है पर इसका मतलब कमाई नहीं है कमाई है तो इफेक्टिव अर्निंग निकाल सकते हो कि यस तो आप क्या फर्स्ट ईयर की कमाई निकाल सकते हो यस नाइन्टी वन फाइव हंड्रेड यहाँ लिखा एक लाख यहां किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि आंसर कितना आ जाए नाइन्टी वन फाइव हंड्रेड तो ये आ गया नाइन पॉइंट टू नाइन जीरो अब पहले साल का रेट पता लग गया अब मुझे दूसरे साल का रेट पता लगाना है इस रेट को यूज करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में यही होता बूथ स्ट्रैप अच्छा सर तो बताओ यहाँ कितना है नाइन्टी एट फाइव हंड्रेड आज और दो साल बाद कितना मिलेगा एक लाख तो मिलेगा साथ में हर साल दस परसेंट इंटरेस्ट भी मिलेगा अब मुझे कब का रेट चाहिए दूसरे साल का तो देखो मैं कैसे निकालूंगा नाइन्टी एट फाइव हंड्रेड कब की वैल्यू है आज की पहले साल कितना मिलेगा दस हज़ार उसका प्रेजेंट वे पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है एक लाख दस हजार ये कब का है सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में मिलेगा एक लाख दस हज़ार जिसको डिस्काउंटिंग करूंगा तो सेकेंड ईयर के रेट से और फिर वापस ऐसा होता ना यार यहां कितना है यहां नाइन परसेंट है और यहाँ का रेट मुझे निकालना तो पहले इसको यहां लेकर आऊंगा फिर इसको यहां। तो ये वाला रेट तो मुझे मालूम है ये वाला रेट मुझे निकालना पड़ेगा और इसको निकाल लूंगा मैं तो यहाँ क्या आ गया ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर परसेंट ऐसे ही मुहेरा एक लाख है और नाइनटी नाइन थाउजेंड है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेट मालूम है मुझे कब का रेट निकालना पड़ेगा थर्ड ईयर का तो बस ये वाला रेट मुझे मालूम है ये वाला भी मालूम है ये वाला भी यहाँ का मालूम है यहां का ये वाला निकालना है तो बस मैंने वही किया नाइनटी नाइन थाउजेंड ये मालूम है ये मालूम है ये मालूम है ये पता ये पता ये वाला मुझे निकालना तो ये कितना आ गया ग्यारह बस इसको टर्म स्ट्रक्चर या बूथ स्ट्रैपिंग इफेक्ट या फिर फॉरवर्ड रेट बहुत सारे नाम दिए गए आप कैसे भी कर अगर देखा जाए तो इक्विटी वैल्यूएशन हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म हो गया आ, सर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो उसमें हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं तो सर जी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते क्योंकि जिन क्वेश्चन को मैंने पाँच पाँच मिनट में दो दो मिनट में उड़ाया हूँ दो दो मिनट में उड़ाया हूँ उन्हीं क्वेश्चन को मैंने क्लास में आधा आधा घंटा डिस्कस किया इस बात से सोचिए कि जो अभी आपका तीन घंटे में सिक्योरिटी वैल्यूशन ख़त्म हो गया इसको इसको ही मैंने तीस घंटे में करवाया हूँ अंतर समझ में आ रहा ना आपको यस सर इट मीन्स ये जो दिख रहा है कितना टाइम लगा दो मिनट कितना टाइम लगा समझने में दो घंटे ऐसा भी है मैंने दो घंटे तक ये डिस्कस किया बॉन्ड रिफंडिंग या फिर इसी की बात कर लो ये लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेक्चर मिलेगा आपको नीचे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना टाइम में खत्म हो गया दस दो पांच मिनट में जबकि आप लेक्चर देखिए एक एक घंटे का लेक्चर है तो सर समझने में टाइम लगेगा सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं तो इसको आप गलत वे में मत लेना कि सर ने क्या उड़ाया यार उड़ाया नहीं बेटे मजबूर वो लास्ट दिन में ना ये लेक्चर काम आने वाला ठीक है ओके सर तो अब कब मिलेगा आज की तीस तारीख है कल कलगैफ परसों क्या था हमारा शेड्यूल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो बिल्कुल छोटा सा एक आध घंटे में हो जाना चाहिए रिवीजन लगता है ऐसा पता नहीं मैं कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश कर लूँ उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है थैंक यू बाय